अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती है आपको सुनते कानों को समीना का सलाम, खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज़ इंटरटेनमेंट में, देखते हैं हमेशा कितना कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज़। हमारी आवाज़ के साथ हम पहुँचाएंगे आपकी आवाज़ बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का, यही मकसद है इस प्रोग्राम का भी। हम आप लोगों से शुरू करने से पहले हमेशा यही कहते हैं, ज़रूर आइए, आने के बाद अपने लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज़ बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो। ये अपोजिशन वाले भी आइए, हुकूमत वाले भी आइए, यकीनन ये शो आप ही लोगों का है। आप लोग आते हैं तो इस शो में चांद चांद लग जाते हैं, कॉलर की वजह से ये शो चलता है। तो यकीनन कॉलर से यही रिक्वेस्ट होती है आखिर में कि भाई आके ज़रूर बात कीजिए, मगर कोशिश कीजिए कि ऐसी बात करें जिससे किसी का दिल आजारी ना हो। अपने टॉपिक पर बात करें, अगर किसी का पॉलिटिक्स पे बात करने का दिल नहीं चाहता तो नीचे भी हम एक अच्छा सा टॉपिक देते हैं, तो उस पर आप लोग आके बात कर सकते हैं। आप लोग उस पर आके बात कीजिए, अपना ओपिनियन दीजिए, अपनी राय दीजिए, उस पर आके डिस्कस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पॉलिटिक्स पे ही आके बात करें अगर नहीं करना चाहती। खवातीन, बहुत सारी खवातीन इसमें आना चाहती हैं मगर पॉलिटिक्स पर बात नहीं करना चाहती, तो आप आके इस पर बात कर लें जो हमारे जो इशू होते हैं नीचे वाले इशू पर जो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो समीना, कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। और आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक रखा है आज, आपका जो सेकंड वाला टॉपिक है, मैं उसी पर पहले बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये हमारा हमारे इधर हमारी जो लोग अपने ही लोग हैं उनके मुतालिक मैं इस पर बात करना चाहती हूँ कि वाकई में यहाँ पर लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, क्या शोहरत का बुखार ऐसा चढ़ गया है कि भाई चलो अगर तुम मशहूर होना चाहते हो कोई दूसरा तरीका या रास्ता अपना सकते हो, लेकिन दूसरों को जो कि ऑलरेडी मशहूर शख्सियात होती है ना, उनके उनको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने का एक अजीब सा रुझान पैदा हो गया है, अजीब सा रिवाज पड़ गया है यहाँ पर। क्योंकि अगर आपके अंदर कोई एबिलिटी होगी तो आप वैसे ही मशहूर हो जाएंगे। अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, वो कहते हैं भाई हम बदनाम ही हो, बदनाम हो और मशहूर हो जाए, क्योंकि बदनाम हो जाएंगे तो क्या हो गया, लेकिन हम मशहूर तो फिर भी हो जाएंगे। उनको सच्ची शोहरत हासिल करने का उन्हें चस्का होता है, उसके लिए वो जो मोतबर लोग होते हैं उनका नाम भी इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी कोई वैसे तो उनकी कोई इतनी मार्केट में इज्जत होती नहीं है, तो उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी इज्जत इल्लत क्या हो, लेकिन वो दूसरों का नाम इस्तेमाल करके उनकी इज्जत पे दाग लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो किस्म की नीच हरकत करते हैं, तो इससे आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए कि जो लोग है ना वो इतने बेवकूफ नहीं होते हैं। अगर पब्लिक कोई देख रही होती है तो अच्छी तरीके से समझ भी रही होती है कि वो क्या किया जा रहा है। तो मैं ये कहूंगी टॉपिक बिल्कुल सूरत हाल ने सिचुएशन के हिसाब से आपने रखा है। यहाँ पर आकर आजकल यही तरीका कार लोगों ने तैयार कर लिया समीना, आई डोंट नो फेसबुक हो या फिर जो भी सोशल मीडिया, आपने देखा ना सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, लगता है ओढ़ना बिछोना सोशल मीडिया है, हर चीज सोशल मीडिया है। लोग समझते हैं सोशल मीडिया पे हमने कुछ डाल दिया, हम कंटेंट कंटिन्यू। आप सोचें अभी आपको पता है कि थोड़े टाइम पहले जो है ना ये सोशल मीडिया डाउन हो गया था, बंद हो गया था किसी वजह से, ये तो लोगों को देखा था, व्हाट्सअप बंद हो गया, क्या कहते हैं फेसबुक बंद हो गया था, लोग किस कदर, इंस्टाग्राम बंद हो गया, टिकटॉकर चल रहा था शायद, मुझे लग रहा है आई थिंक सो, तो ये सब चीजें बंद हो गई थी जी। तो आप ये देखें कि लोग पागल हो गए थे, लोग पागल हो गए थे, लोगों के पास काम करने को नहीं था, लोग सोच रहे हैं कि हम क्या करें, हम किस तरह डालें। जैसे ही वो जब सही हुआ तकरीबन काफी टाइम के बाद, बहुत घंटों के बाद शाम में कहीं जाके वो सही हो, सुबह से बंद था, तो लोग पागल हो गए थे, लग रहा था लोगों के पास काम करने को नहीं है। तो फिर लोगों ने सोचा कि शायद कुछ किसी ने सोचा कि जानवाज बिछा के नमाज ही पढ़ लें, अल्लाह को ही याद कर लें, तब उनको याद आया, वरना उनके पास तो टाइम ही नहीं। उन्होंने कहा अल्लाह अगर ये चीज ना हो हमारे पास, हम फेस लेके अपना सोशल मीडिया पे ना जाएं एवरी टाइम। लोग तो वॉशरूम में घुसे होते हैं तो बता रहे होते हैं कि जी अभी हम तो उठे हैं, अभी बैकअप किया हमने, अभी हम वॉशरूम गए और पेस्ट कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पे डाल रहे होते हैं। अब उनकी समझ में नहीं आया जब सुबह उठे तो वो क्या कर रहे हैं, डालने के लिए कुछ नहीं था। बात किया हमने जी, बिल्कुल एग्जैक्टली। चले ये तो वो लोग है ना जिन्हें अपना एक एक पल सोशल मीडिया पे शेयर करना से वो समझते हैं कि हम एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गए हैं, तो इससे हमारी शोहरत में और इजाफा होगा, और इजाफा होगा। एक छोटी से थोड़े से लाइक्स लेकर थोड़ी सी उसमें बेकार बेकार से कॉमेंट्स पढ़ने के बाद लोग बड़ा खुश होते हैं, अपने ग्रुपों में डाल देते हैं, जो बनाते हैं अपना ग्रुप चलकर उसमें डालते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई जरूर इसको जरा सा कमेंट्स लिखे, लाइक करें। अब आप देखिए ये चीजें लोगों को कहाँ लेके जा रही है। और फिर इसके बाद जो आपने अभी बताया कि एक फेमस शख्स को बुलाने के बाद तो उसके बारे में अपना सोशल मीडिया यूज करके, तो उसमें गलत, और ऊपर से आपको पता है कि फिल्टर्स लोगों ने डाल रखे हैं अपने सेलफोनों पे, और उसमें लेके जो ना उसी से जो है ना वो तस्वीरें वगैरह डाउनलोड करके डाल देते हैं, और वो लोग समझते हैं कि आपने पढ़ी है, मस्तूई दुनिया के अंदर ही रहना पसंद कर लिया है, तो चले आप उसके अंदर रहते रहे, आपका जो भी चाह रहा है, आप अपनी पर्सनल बात बताना चाहते हैं अपने बैकग्राउंड की, आप मगर आप किसी को, बिल्कुल आप सही कह रही है, मगर किसी को जिस तरह आपने कहा ना किसी की पिक्चर लगा के ऊपर, मैंने आपके पहले वाले शो में भी अभी जो था उसमें यही बात मेंशन की थी कि किसी के कपड़ों से लेकर के, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप हर वक्त आपको कोई मटेरियल चाहिए कि आपको उस पर कुछ ना कुछ पोस्ट लगानी है, तो आप कहाँ से
सारी चीजें लेकर आएंगे कहाँ से तो लेकर आप आएंगे? वो एक से एक चीजें जमा करने की कोशिश में और दूसरा से उसका सबका हासिल करने की कोशिश में आप हर तरह का जो भी आपके पास जो भी चीज अवेलेबल है वो उसके ऊपर आप डालते रहेंगे जी। तो ये बहुत ज्यादा एक गलत रुझान जा रहा है और ये देखकर बहुत अफसोस होता है कि यहाँ पर आने के बाद तो हम समझते हैं हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम ज्यादा समझदार हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत जी क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात आपने की, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। बेइज्जती करके किसी को लेट डाउन करके अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप जो भी लोग ऐसी सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उनको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि इस तरह से शोहरत ना हासिल होती है और ये वक्ती शोहरत होती है, ये वक्ती शोहरत वो भी बदनामी की शक्ल में। तो अगर थोड़ा सा भी आपके पास कॉमन सेंस है तो अपने सेंस को इस्तेमाल करना चाहिए और शोहरत हासिल करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई टैलेंट है ना तो आपको वैसे ही आप मशहूर हो जाएंगे। आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपनी रियल टैलेंट को लेकर आ सकते हैं सामने। तो ऐसे लोग भी हैं जो इसका पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को भी ऐसे जानती हूँ जो इसको नेगेटिव वे में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे सारे लोगों की को तो मैं यही मशवरा दूंगी कि वो ज्यादा थोड़ी सी अपनी अकल इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो लोग आपकी वाहवा कर भी रहे होते हैं ना, मुंह पर ही आपकी वाहवा कर रहे होते हैं और आपके पेट के पीछे वो भी आपका सिर्फ मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो इस तरह की हरकतों से अचानक से गुरेज करना चाहिए और किसी मोतबर शख्सियत के बारे में कुछ भी लिखने से पहले 10,000 दफा सोचना जरूर चाहिए कि मैं तो सिर्फ एक उठाकर एक दफा टाइप कर दूंगी, लेकिन वो कहाँ कहाँ तक मैसेज जा चुका होगा, कितने लोगों ने देख लिया होगा, कितने लोगों ने उसको सेव कर लिया होगा और वो जो है वो आपकी शोहरत पे क्या असर डाल रहा होगा। आपको अपने घर में बैठ के आप एक मसलूबी दुनिया के अंदर खुश हैं लेकिन उसके हकाई जो है उसकी रोशनी आप तक पहुंच ही नहीं रही है। तो आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया था समीना, मैंने कहा पहले आकर मैं बात करती हूँ फिर लेकर कॉल करूंगी। बहुत शुक्रिया समीना, थैंक यू जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आप बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। टॉपिक पे बात करने से पहले वाला टॉपिक तो वही है जो मैंने आप लोग को दिया है, जो पॉलिटिक्स का होता है उस पे बात करना चाहेंगे या आप जो नीचे वाले टॉपिक पे बात करना चाहेंगे? पहले मैं नीचे वाले टॉपिक पे बात करना चाहूंगा। चलें जी, जी कीजिए। बात ये कि अभी मैं वो खातून की गुफ्तगू सुन रहा था, माशाल्लाह बहुत ही डिटेल में और बड़ी मैं कहता हूँ जबरदस्त बातें उन्होंने की सवाल से। जी जी। और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप भी सोशल मीडिया का एक हिस्सा है और फेसबुक भी इसका एक हिस्सा है और इसी तरह आपका दूसरे सोशल मीडिया के सोशल हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म है जी, और जिस पर लोग फायदा उठाकर अपने दिल की भड़ास निकालते हैं जी। तो बात यह है कि कल के प्रोग्राम में एक साहब ने ऐसी एक बहुत ही गलत हरकत की जिसका मुझे दुख बहुत ज्यादा हुआ, बल्कि कल तो रात को मैं सोचा था कि आपको मैं फोन करके कहूंगा कि मैं आपके प्रोग्राम में अब ऑनियर नहीं हूंगा, इसलिए कि जो लोग आपके ऑनियर होते हैं उनको इतनी तमीज नहीं है कि वो किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, उन लोगों की हैसियत क्या है, आपकी अपनी औकात क्या है, आप अपनी औकात भूल कर ऐसे लोगों के बारे में कमेंट पास कर रहे होते हैं जिनकी आप मतलब जूते के सोल के बराबर भी नहीं है। कल आपके कॉलर ने डॉक्टर कदीर खान के बारे में जो गुफ्तगू की वो इंतहाई शर्मनाक थी, तासुब से भरपूर थी। वो साहब जब भी आते हैं आपके प्रोग्राम के अंदर आप उनको ऑनर करती हैं, वो उनकी तमाम तर गुफ्तगू तासुब से भरपूर होती है। चले वो उनका वो अल्लाह देखे वो तो मैं हमेशा कहती जी जी जी, जी? नहीं देखें वो आपका अपनी राय अपना दें, वो किसी के ऊपर नहीं बात कर रहे थे, वो बता रहे थे आके बता रहे थे, उनको लैंग्वेज उन्होंने गलत यूज की, लोगों ने आके बोल दिया। अब ये देखिए तकरार शो ऐसा है कि लाइव शो में तो आपको पता है कि इस तरह की चीजें हो जाती हैं, मगर ये कि अब ये कि बहुत तकरार, लेकिन तकरार के अंदर जो आपका अखलाक है, जो आपके अंदाज़े गुफ्तगू है, चले आप जो ना ये बताएंगे ये सोशल मीडिया वो तो अब छोड़े, कल की बात गई, बात गई रात गई, अब तो प्रोग्राम आगे बढ़े, अब जो टॉपिक है उस सिलसिले में बात करें जो नीचे मैंने दिया हुआ, इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? मैंने आपसे कहा ना कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके हैं जी, और लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों तरह से जी। बहुत सारे कॉलर आए, एक मिनट के लिए होल्ड कर ले, मैं आपको इसी बात करूंगी, एक मिनट के लिए होल्ड करें प्लीज, एक सेकंड के लिए होल्ड करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड के लिए होल्ड कर ले, वो कॉलर की बात कर लूं मैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, एक सेकंड के लिए होल्ड कर ले, मैं बात करती हूँ होल्ड कर ले सर। जी जी बोले जी जी। सोशल मीडिया पे मैंने अक्सर फेसबुक पे देखा लोगों को, कुछ लोगों के अच्छे अखबार होते हैं उनको वो शेयर करते हैं, वो ऐसे सबाकामोज अखबार होते हैं जिनको आप अगर देखें और पढ़ें और सोचें अपनी जिंदगी से उसका मुआवजा करें तो आपको अपनी जिंदगी के बहुत सारे मसले हल में नजर आता है। सही कह रहे हैं तो जी, लेकिन जब आप
उसी चीज को नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उस वक्त आप क्या करते हैं कि आपके दिल में किसी के खिलाफ जो कुछ भी होता है वो हर मुमकिन तौर पे कोशिश करके आप उसकी भड़ास सोशल मीडिया में निकाल देते हैं जी। और उसके नतीजे में क्या होता है, जंग सी छिड़ जाती है। फिर जंग से छिड़ जाती है, वहां पे क्या मुखालिफ होता है वो अपने तौर पे उसके जवाब और जवाब बिल जवाब करना शुरू कर देता है और पूरा माहौल जो है वो इस तरह परगंदा होता है। तो बात यह है कि जब भी हम सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं तो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते वक्त इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि सोशल मीडिया आप, आपके घर वाले, आपकी बहनें, आपके भाई, आपके बुजुर्ग, आपके बच्चे, सब लोग उसको देखते हैं जी। और तमाम लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका मैसेज आ गया, आप सब लोग देना चाहते हैं। एक सेकंड के लिए होल्ड करें, मैं इन लोगों के भी ले लूं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, एक मिनट के लिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम, एक सेकंड के लिए होल्ड कर लेते हैं सर प्लीज, बहुत सारे कॉलर हैं जी। बोले जी, हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? आपका सेकंड टॉपिक बहुत अच्छा है और जी नीचे वाला भी टॉपिक है ना, सो गुड। तो मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। देखिए कल बात हो गई, आप इतना समझाती है तो जल्दी में तेल का काम नहीं करना चाहिए जी। अभी प्रोग्राम शुरू है, सब सीनियर सिटीजन है जी। तो एक दूसरे को बोलने से अच्छा है कि भाई आप अपने आप को सही कर लें तो दूसरा भी सही हो जाएगा। हाँ, आप अपना टाइम करें, छोड़े कॉलर है, उन्होंने बात कर ली, अब कल जवाब दे दिया, आप खत्म करें, आगे बढ़े, आज के टॉपिक पे बात करें, आगे बढ़ना चाहिए जी जी। तो आपका आप इसीलिए बस थोड़ा सा मैं ऐसा, मैं जरूर दोबारा आऊंगा, ठीक है, बात हो गई खत्म, मिट्टी पाओ। थैंक यू, चलें, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। हेलो जी, जी हेलो, हेलो जी, हेलो हेलो जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ये कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया जो है उससे आप क्या हासिल करना चाहते हैं, देखें हर चीज मौजूद है आपके सामने जी। पॉजिटिव लेना चाहते हैं तो पॉजिटिव हर चीज मिलेगी आपको, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज चाहिए। ठीक, यकीन करें ऐसी ऐसी अच्छी चीजें, ऐसी ऐसी मतलब उसके अंदर चीजें हैं कि कौन सी चीज है आजकल आपको अगर कोई चीज फिक्स करनी है, यकीन करें उस फिक्स को भी आप, मिसाल के तौर पे कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है आपको नहीं पता चल रहा कि इसको कैसे फिक्स किया जाएगा, वो तक उस पर मौजूद है। और मतलब कौन सी चीज है, आपको खाना पकाना नहीं आता, यकीन करें आप वहां से कोई भी रेसिपी लें और बना लें, हजारों तरह की आपको रेसिपीज वहां पे मिलेंगी। और निगेटिव चाहते हैं तो निगेटिव भी आपको सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज चाह रहे हैं। अभी आप देखें ये जो वहां का मीनारे पाकिस्तान वाला जो वाकया हुआ था, उस लड़की अब सारी चीज खुल के सामने आ गई। ये पूरा पूरा प्लान किया हुआ था कि अब उनकी ऑडियो कॉल्स भी जो है वो पकड़ी गई है, एक एक बंदे से हम 5-5 लाख रुपए लेंगे। आप अंदाजा करें इतनी ये जो इसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं इसको मीडिया को, वो तो सबके सामने एक्सपोज हो जाते हैं, उस कुछ दिनों के बाद हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो उसकी प्लानिंग देखें उस लड़की की क्या थी। अब सब चीज खुल के आ गई है सामने, उनकी कॉल्स पकड़ी गई है। उस वक्त हम बहुत अर्ली, एक तो हर चीज को हम फौरन सामने ले आते हैं कि बस इसका सलूशन अभी आ जाए, अभी वो सब, अब जो चीजें सामने आ रही हैं वो आप अंदाजा करें कि क्या है। चले ठीक है, कैसे पूरा प्लान किया हुआ था ये सब कुछ। चले जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी, जी जी जी, बोले जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। देखें ये सेकेंड जो टॉपिक है, हकीकत में अगर इसकी सोशल मीडिया को देखें तो ये बना इसलिए कि आपको एजुकेट करना या आपकी इंफॉर्मेशन में और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए वो इस्तेमाल किया जाए तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में लेता है। इसीलिए मेरे ख्याल से लोगों का शुरुआत हुई तो बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया। अब हो ये रहा है, अब ये इसकी डायरेक्शन चली गई नेगेटिविटी की तरफ, और वो लोग जो लोग किसी की साख को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अब वो विद इन द सेकेंड, विद इन द मिनट, जो भी आप बोलें, वो हर वो चीज उसमें नेगेटिविटी की में डाल देते हैं, जिससे वो उस शख्स की जो भी हो, हालांकि वो उसको पता भी नहीं होगा, लेकिन जब उसको पता चलता है कि ये हो गया है तो उसकी साख को नुकसान पहुंचाने की हर कोई कोशिश की जा रही है। और अब मोस्टली देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि इट्स लाइक मोर देन 80% जो है ना, वो लोग इस्तेमाल ही इतने एडिक्ट हो गए इसमें कि वो नेगेटिविटी को ज्यादा वो प्रमोट कर रहे हैं, ज्यादा कि अगर ये पॉजिटिविटी में होता, जैसे कुछ भी हो, चाहे आपके जैसे भी आपके कॉलर ने कहा कोई एजुकेशन या
किचन के कोई आपको रेसिपी वगैरह देखनी है या किसी भी किस्म की, वो जो जिससे आपको, अगर आप ये देखे ना कि वो तो सही कहा कि हर चीज मिल जाएगी आपको, मगर आप यूज कहाँ पे हो रहा है, यूज इस वक्त कहाँ, मीडिया क्या यूज कर रहा है इसको, ये सवाल पैदा होता है। अवाम किसको पिकअप कर रही है, अवाम क्या चीज ले रही है, क्या चीज यूज दे रही है, क्या मैसेज दे रही है लोगों को, सवाल इस पे पैदा होता है कि बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो लोग बहुत गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तो दहन में इतना वो भर गया है ना, नेगेटिविटी का जो रुझान हो गया है कि बस अब वो पॉजिटिव को तो सोच ही नहीं रहे जी। अब तो जो गन बला जो चाहे जो करना चाह रहे हैं वो मतलब खुला मतलब छुट्टी हो गई है उसके, बिल्कुल ही जिसके लिए वो बनाया गया, जिसके लिए वो मतलब जिसने भी क्रिएट किया हुआ है, जो सोशल मीडिया का है ये सॉफ्टवेयर है जो भी है, लेकिन अब उसका इस्तेमाल बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहा है, 100% जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए इसी के लिए सस्ती शोहरत यही कही जा रही है, और क्या इसका मतलब ये हुआ ना कि किसी भी शख्स के बारे में आप बगैर कहे यानी कोई तस्दीक किए बगैर आप वो डाल रहे हैं उस चीज को, उसकी इमेजेस भी डाल रहे हैं, उसकी सारी पिक्चर्स हैं जो कि यानी देखा जाए तो माशरे के सोसाइटी के हिसाब से अनएक्सेप्टेबल होती है चीजें, लेकिन क्या इस वक्त कोई भी कंट्रोल में नहीं है। अनलेस देखें पिछले दो एक हफ्ते पहले की बात कर रहे हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सब बंद हुए तो लोग इतने परेशान हो गए थे जैसे पता नहीं कुछ करने को नहीं है, कुछ करने को नहीं है, लोगों के ऐसे ऐसे पागल हो गए थे लोग, तो लग रहा था पता नहीं अब क्या होगा उनके साथ, क्या नहीं होगा, अगर ये नहीं हुआ नहीं आया फेसबुक नहीं आया, सबसे मेन चीज जिस पे रोज आज सुबह उठ के पता नहीं क्या क्या वीडियो डाउनलोड करते हैं कि जा रहे हैं इधर आ रहे हैं इधर खा रहे हैं इधर पी रहे हैं ये कर रहे हैं, तो वह उनका सारी एक्टिविटीज बंद हो गई, अब मुझे समझ में नहीं आया, टाइम ही टाइम उनके पास था कि वो समझ नहीं आता कि हम क्या करें। किसी भी साइकेट्रिक को या साइकोलॉजिस्ट के बारे में अगर कोई बात करेगा ना बताएगा तो कहेगा यार ये वो लोग हैं या हम वो लोग हैं, हम एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं, हम एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं और अब हमारे जहन में कुछ नहीं है, करवटली मैसेज तो नहीं है, कोई सोशल मीडिया पे मैसेज तो नहीं है, मतलब ये बिल्कुल आपने अपने पूरे लाइफ कि जिसमें कहते हैं ना जिस्म में या ब्लड में भर लिया है इस चीज को, ऑब्जर्व कर लिया है कि टोटली हमें सिर्फ सोशल मीडिया पर खाना पीना और लव मिछौना सब आपका वही है, तो इसलिए इसका इंपैक्ट जो है ना जो अभी सोसाइटी पे जा कहीं भी वर्ल्ड वाइड बात कर ले आप तो नेगेटिविटी पे ज्यादा जा रहा है बिल्कुल, किसी हर आपकी कॉलर की भी राय अगर होगी मेरे ख्याल से मेजोरिटी लोग यही कहेंगे कि लोगों का रुझान बिल्कुल। आपने ये बहुत प्यारी बात की कि ओढ़ना बिछोना लोगों का सिर्फ ये सोशल मीडिया ही हो गया, कुछ भी नहीं है जिंदगी के अंदर सिर्फ यही है। अब आप देखें ना बच्चों को टाइम दे पाते हैं, ना बच्चों की देखते हैं, ना घर को देखते हैं, ना उसको देखते हैं, कितना टाइम होता है लोगों के पास ये सोशल मीडिया में बैठ के इतने बड़े बड़े पूरे पूरे पेज का मैसेजेस करना। वो कहते हैं जमाना ही अब तो सोशल मीडिया का आ गया भाई, अब तो कोई जमाना ही नहीं किसी चीज का भी, हम तो हर चीज अब इसी पे करेंगे, इसी पे हमारा सारा कुछ हो रहा है, प्रमोट करना है बिजनेस को प्रमोट करना है वो भी सोशल मीडिया पे करना, हर चीज इसी पे आ गई। अब सोचे आप देखें चार के जिंदगी में क्या जी, चार घंटे बंद हो गया था ऐसा लग रहा था लोग बीमार हो गए, बीमार हो गया। अब देखिए मैं यही कह रही थी कि शाम तक तो ऑन हो गया था, लोग शदीद बीमार, लोग शदीद डिप्रेशन में चले गए, मगर देखे ना लोग अगर किसी काम के लिए इसका सही इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छी चीज है। जिस तरह उन्होंने बोला कि बहुत सारी चीजें जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जिंदगी के लाइफ के अंदर, मगर लोग इसको आप गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं इसका। आपने कोई चीज क्रिएट की है, जो कोई चीज आपने ऐसा बनाया, कोई भी चीज ऐसी जो आप इंफॉर्मेशन के तौर पे पब्लिक को अवेयरनेस लाने के लिए, उनकी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए आप उसको दें तो लोग वो करें, होता शुरुआत तो इसकी ऐसी हुई, अब शुरुआत हाँ ये देखें आप शुरुआत कैसे हुई थी, इसी तरह हुई थी ना कि लोग उसकी वैल्यू समझ जाते, अब तो ये वैल्यू ही खत्म कर गए इसकी, तो अब तो वैल्यू खत्म हो गई समझ ली, लोगों ने इतना इसमें गंद फैला दिया कि लोगों के अब समझ में ही नहीं आता, वो समझे गंद ही गंद नजर आ रहा होता है, जो इन्फॉर्मेशन नजर आने वाली होती है वो चीजें तो बात नहीं कहां गायब भी हो जाती है, छुपी जाती है, समझ लें आप वो तो उस हिसाब से तो हकीकत में ब्रेन वॉश हुआ हुआ है जी। अगर ओवरऑल आप देखें सोशल मीडिया के वो लोग जो इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ही एडिक्ट हो चुके हैं इस चीज के, जो सिर्फ नेगेटिविटी को क्रिएट कर रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं आगे उन चीजों को इस तरीके से सोसाइटी के अंदर, इधर वर्ल्ड वाइड जो भी वो लोग हैं जो बिल्कुल वाकई इसी से मतलब उनका उनको खाना पीना नहीं तो शायद हो सकता है सुबह चाय भी नहीं पिए तो स्टार्ट ही उसे सोशल मीडिया से करते हैं लोग। सही कह रहे हैं आप, ये सारी एडिक्शन के साइन है एक्चुअली, ये नहीं कह सकते कि यार ये कोई आपको कोई पुश कर रहा है, नहीं आप इतने उसमें मतलब अपने आप को इतना ढाल लिया है उस सांचे के अंदर कि आपको निकलने का दिल नहीं चाहता, दिल चाहता है
तो 4 घंटे के लिए देखें सोशल मीडिया बंद हुई, बुखार हो गया सबको, बीमार हो गया सब, क्या मुसीबत है ये वो, मतलब ऐसा अपने आप पे ऐसी तारीफ कर ली हर चीज को कि भाई क्या मुसीबत में हो गए। लेकिन एक्चुअली जो था इसकी, जो अगर आप ग्राउंड रियलिटी पे जाती हैं तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल पॉजिटिव की डायरेक्शन में शुरू हुआ और अब रिवर्स जा रहा है। कोई भी चीज ऐसी, बिल्कुल आपने सही किया, शुरू तो हुआ था पॉजिटिव के लिए, मगर अब पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ रही उसके अंदर। अगर आप देखें 10% है तो 90% तो नेगेटिव पे आ रहा है जी। लोग जो मर्जी डाल रहे हैं, किसी के खिलाफ डाल रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि कौन किसका घर वाला देखेगा, वो उसको पता भी नहीं है। मैसेजेस पढ़े आप, जिसको दुश्मनी होती है वो दुश्मनी में क्या क्या मैसेज नहीं लिख के भेजते, ये देखे। इसमें कोई रोक टोक नहीं है ना, इसमें तो यही है कि आपने बस उसकी बेइज्जती करनी है, उसको शर्मिंदा करना है लोगों में, लोगों के सामने, खानदान में, दोस्तों यार। अदरवाइज इसका मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचें कि भाई सोशल मीडिया अच्छा है, अच्छा था, स्टार्टअप था, ठीक है, लेकिन अभी तो मेरे ख्याल से 10% अच्छे साइड की तरफ है, 90% आपका बिल्कुल नेगेटिविटी पे इम्पैक्ट कर रहा है। मेरे ख्याल से इसका जो, तो आजकल यार दूसरे टॉपिक के बारे में क्या कहेंगे, अपोजिशन का हुकूमत पे, इदारों का वकार पे नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। अपोजिशन इल्जाम लगा रही है कि इदारों का हुकूमत, जो अपोजिशन है हुकूमत पे इल्जाम लगा रही है कि इन्होंने इदारों के साथ नाइंसाफी की है। अभी से हुकूमत को तो किसी सूरत भी नहीं रहना चाहिए, ये वही हुकूमत है जो पहले अपोजिशन के बारे में बोलती थी। आज पहले तो आप ये सब ये जाने के सियासत के अंदर हर से आखिर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुमकिनात में है, चाहे आप अंडर द टेबल बात कर लें या आप फ्लोर क्रॉसिंग कर लें या आप जो इसको वर्ड दे दें। लेकिन ये इल्जाम वो भी पहले हुकूमत में थे, ये लोग देते थे या दूसरी पार्टी। अब वो कह रहे हैं कि ये जो वजीर आजम इमरान खान है यही फौज के खिलाफ बात कर रहा है, इतना तो मोदी ने भी बात नहीं की जितना ये बात कर रहे हैं, आप बताइए कहाँ तक सच्चाई है इसके। नहीं, नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, अभी कान से पकड़ के उतार दे अगर वो फौज को, अगर वो फौज का जी। अब आप ये देखेंगे, उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने आर्मी चीफ की तवील मुशावरत के बाद भी नोटिफिकेशन का नोटिफिकेशन नहीं लिया, इतना देर क्यों कर रहे हैं वो नोटिफिकेशन लेने में, जो उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इसमें शोर मचाया जा रहा था, सोशल मीडिया पर भी वही सोशल मीडिया यूज हुई इसके लिए भी। तो मसला तो यही है ना, ये अंदाजा लगा जी, कोई भी हुकूमत चाहे पीटीआई की हो चाहे नून की हो पीपल्स पार्टी की हो, लेकिन लोग जब पीछे पड़ जाते हैं तो वो चाहते हैं कि भाई अभी बिल्कुल इसको देन एंड देयर वाली डिसीजन अभी दे दो हमें, बस अभी हमने अभी सुनना चाहते हैं। भाई हो सकता है हुकूमती सतह पे कोई बातचीत कर रहे हो, कुछ मतलब एक मशावरत हो रही हो कि भाई हमें क्या किसको क्या करना है या इसकी एक्सटेंशन करनी है नहीं करनी है। तो मेरे ख्याल से ये इल्जाम तो चलेंगे ऐसे ही, और वो बकौल शेख रशीद साहब ने ये कहा कि अंदर खाने कुछ नहीं है, मगर देखे ना मानने की तैयार नहीं है। फवाद चौधरी ने भी यही कहा, पर ये देखे अपोजिशन तो कह रही है कि ये ऐसा क्यों किया गया। ये तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि इल्जाम कराची चलती रहेगी ये 22 महीने तक, अच्छा इलेक्शन होंगे फिर आप देख लीजिएगा। ये क्या कुछ नहीं कर सक रही है ना, देखें पीडीएम बनी क्या किया, अब गिरी तब गिरी नहीं गिरा सक रहे, कुछ बनते ही नहीं है। अब देखें उसमें कॉन्फिडेंस वोट के लिए वो बलूचिस्तान असेंबली में कुछ वो हो रहा है, तो वो हो सकता है जाम कमाल को जो है ना, मेरे ख्याल कह रहे हैं इतनी देर क्यों कर रहे हैं नोटिफिकेशन लेने में, इतनी देर का क्यों किया ये हुकूमत, क्यों इतना देर करी। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जरा सा जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो सुने अपना टीवी का वॉल्यूम बंद करें। कोई नए कॉलर है, उन्होंने टीवी का वॉल्यूम खोल रखा है और कॉल मिला लिया, उनकी समझ नहीं आ रहा कि वो बात कैसे करें। मैंने उनसे कहा टीवी का वॉल्यूम बंद करें, टीवी पे अपनी वो आपकी आवाज सुन रहे हैं, जो हम लोग तजिया कर रहे हैं वो उसकी बात सुन रहे हैं वो जी। नहीं देखें वो तो अब देखें हुकूमती सतह पे जो भी फैसले हो रहे हैं, देर सवेर हो रही है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। अब ये अपोजिशन या मीडिया या 4 आदमी मिले, एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड होल्ड कीजिए जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मैं ये आज कहना चाहता हूँ कि एक तो मुबारकबाद आपको कि हम लोग जीत गए इलेक्शन, एक पीपल पार्टी जीती, नवाज शरीफ का वो तो बहुत ही नीचे चला गया, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, वो तो बहुत ही जलील हो रहा है, दुनिया में भी आखिरत में भी इलेक्शनों में भी जलील हो रहा है, नीचे ही जा रहा है जी। हाँ जो अल्लाह ने करता है, अल्लाह ने उसको नामराद और नाकामरा उसी हिस्से में डालता है। और दूसरी बात ये कि ये जो
जो जो अच्छे काम करता है अल्लाह उसी को फ्रूट देता है, उसी की तरक्की होती है। अब ये जो इल्जाम जो लग रहे हैं और ये अपोजिशन जो लगा रही है पीडीएम वालों का, देखिए आप क्या शमेशर हो गया। अब वो इजलास किया था वो भी पोस्टपोन हो गया, वो बिठा रहा तो वो भी पता नहीं होगा भी नहीं होगा, फिर जलसे करेंगे ये करेंगे वो करेंगे। एक सेकंड और करें, एक सेकंड और करें। जी हेलो जी जी। अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा एक सेकंड आप ही से लेती हूँ, एक मिनट कॉलर कॉल कर दूँ। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसी हैं? ठीक हूँ जी, बोलिए। जैसे थोड़ी सी हुकूमत चेंज होगी ना तो देखना ये जो शेख रशीद लोटा ये सारे नौशबाज शरीफ के साथ आ जाएंगे। अच्छा आप ये कह रही हैं? हाँ जी, नहीं मैं कह रही होगा इंशाल्लाह। पिछले जो शेख रशीद है ये तो वैसे ही लोटा जहाँ साइड देखता उधर चला जाता है। अच्छा। वो भी हो बस हमारे लिए अच्छा हो, हमारे मुल्क के लिए। सही, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आप ठीक है? जी मैं ठीक ठाक हूँ, बहुत शुक्रिया। शुक्र अल्लाह कल आपको तंदुरुस्तियाँ दे, रहमते दे, बरकते दे, आप सबकी बातें सुनती हैं। चले ये प्रोग्राम आप ही का दुआओं में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ओके अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। जी हेलो जी, मेरी बात काट के दूसरी लाइन से ले। अरे तो मैंने आपको होल्ड पे डाला ना, तो नए कॉलर आ रहे हैं। मेरी बात चल गई और मैं मुसलसल बोल रहा था तो आपने मेरी बात काट के दूसरी लाइन। आपका मैसेज आ गया ना पूरा का पूरा। नहीं था बात वही कह रही थी मैं, झूठ इतना बोलो कि सच गुबान वाले बस इतनी लफ्ज कहना था, आपने उसे पहले लाइन काट दी मेरी। चले अब आ गया आपका मैसेज, इसलिए मैं समझ गई थी कि आपने यही बात करी थी और कुछ नहीं करी थी। जी हेलो जी जी हेलो हेलो जी। अच्छा असलम, अच्छा मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, यकीन करें मैंने इस सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखा और पॉजिटिव, मुझे कुछ प्लांट्स का शौक है। एक तो, सेकंड एक सेकंड। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो एक सेकंड के लिए होल्ड कर ले, जरा था एक सेकंड होल्ड करें, आपसे बात करूंगी। जी हेलो जी 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 जी। तो ये जो ऑर्किड प्लांट होते हैं इनकी एक पूरी इसके पीछे लॉजिक है कि हाउ टू वाटर द प्लांट्स एंड। देखिए आप जैसे लोग हैं, एक बात सुने, आप जैसे लोग कितने फीसद लोग होंगे जरा मुझे बताएंगे सर्वे करने के बाद। आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपके जैसे लोग जो ना बहुत कम है जो सोशल मीडिया से इस तरह की चीजें सीखे। अभी जो नेगेटिव चीजें जो जा रही है सोशल मीडिया पर, जी जो सोशल मीडिया पे जा रही है और लोगों ने इसको ट्रेंड ले लिया, वही चीज है, वही चीज तो हाईलाइट कर रहे हैं हम कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो ना इस वक्त जो इस्तेमाल हो रहा है, आया तो वो पॉजिटिव के लिए था पर यूज पॉजिटिव के लिए नहीं हो रहा। आप जैसे बहुत कम लोग हैं जो इसको पॉजिटिव पे यूज करने की कोशिश में कर रहे हैं। जी मैंने यकीन करें ट्रिप ऑन ट्रिप आप वीडियो देखें, एक शहरीन ज्यादा इतनी मतलब पाकिस्तान, वही तो मैंने कहा ना कि कितने फीसद लोग हैं, मेरा सवाल पैदा होता है कि कितने फीसद लोग हैं। अब जैसे एक आप है ना, मगर आधे से बहुत सारे मोस्टली लोग हैं जो सिर्फ समझ रहे नेगेटिविटी फैला रहे हैं इसके अंदर सोशल मीडिया पर। आपको टर्की घूमना है तो आप सोशल मीडिया के थ्रू देख सकते हैं, आपको कोई मुल्क और उसकी पॉजिटिव चीजें बिल्डिंग मतलब वो तो मैंने कहा ना कि सिर्फ देखें, जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये आप है ना, सिर्फ ये आप बता रहे हैं। अभी जो सोशल मीडिया पे जो मेन चल रहा है, जो इश्यू हुआ हुआ है इस वक्त, वो चीज हम लेकर आए हाईलाइट करने के लिए, उस पर बात करना चाहते हैं, लोगों की राय लेना चाहते हैं कि लोग किस तरह चेंज हो सकते हैं। अगर जी आप इसको किस तरह वो आपने सही कह रहे हैं, बुराई हो तो हर तरफ फैलना है, मगर हम इस पे बात तो कर सकते हैं, डिस्कस तो कर सकते हैं कि मेन उसी है कि आप क्या राय क्या दे रहे हैं इसके अंदर, किस तरह लोगों को रोका जाए, किस तरह लोगों को सही राय पर लाया जाए, इस तरह की बातों को किस तरह हाईलाइट कर सकते हैं। जी यही है कि आपके जब घर से इस चीज की अवेयरनेस होगी कि ये चीज आप डिस्कस करें घर में अपने बच्चों के साथ कि हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना। बच्चों को तो आजकल इतनी छूट दी हुई है कि ये पता ही नहीं है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं, अपने मोबाइल लेते हैं और अपने कमरों में चले जाते हैं मतलब। और ये ड्यूरिंग ये जो जब से ये आया है कोविड, इसमें तो और ज्यादा इसका इस्तेमाल बढ़ गया जी, मतलब हर बंदा मतलब हर घर में ही काम हो रहा है, बच्चे भी हैं वो ही सब कुछ अपने अपने कमरों में लेके बैठे हुए, मतलब जो भी कुछ देखना चाहे, इतनी आजादी हो चुकी है कि कोई चीज छुपा तो सकते ही नहीं। सही चले तो बहुत बस थैंक यू जी। हेलो जी हेलो जी हेलो
हेलो हाँ हेलो, जी छोटा सा मैसेज है। जी 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 बोलिए बोलिए। बहन आई थी, बहुत अच्छी बात की थी हमने, बहुत अच्छी कॉल की थी। वो सही कह रही है, इमरान खान साहब ने जो लोटे अपने करके रखे हुए हैं, जैसे अगर कोई और गवर्नमेंट आएगी उसमें एक बड़ी तादाद जो है वो नई गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाएगी, और फिर इमरान खान साहब के अंदर ही कीड़े निकाल रहे होंगे और ये कहेंगे कि इनकी वजह से सारी मुल्क में बुराइयां और खराबियां आई हैं। तो इमरान खान साहब की टीम तो हमेशा से ही, उन्होंने जब भी टीम सिलेक्ट की थी उनकी टीम ही खराब है। जब भी इसकी वजह से महंगाई हो या बेरोजगारी हो या बैड गवर्नेंस हो या डॉलर की ऊंची उड़ान हो या स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल मंदी हो या बहुत कुछ, ये जो पूरा एक पूरा ये जो एक उथार पठार हो रही है हमारे मुल्क के अंदर, अब आप देख रहे फवाद चौधरी साहब की उल्टे सीधे बयान दागने की, उन्होंने कितने उल्टे सीधे आके बयान दिए कि वो क्या जरूरत थी, इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। अगर कोई मामला तय भी हो रहे थे तो आप उसको, आप चुप रहे ना, हर बात में बोलना जरूरी तो नहीं होता। इमरान खान साहब की टीम के लोग ही ऐसे है कि वो जैसे ही वो कुछ देखते हैं कि भाई कुछ मामले सही हो रहे हैं, किसी सही तरफ जा रहे हैं, उनकी अपनी टीम के जो अंदर के जो उनके मिनिस्टर है ना, वो हमेशा आके उल्टी सीधी बातें करते हैं और चीज को खराबी की तरफ लेके जाते हैं। मेरा भी मानना है, और उन्हीं की बात को पकड़ के मैं मानती हूँ, सोशल मीडिया में बच्चे तो यकीन करें आप, बच्चे तो फिर भी इतना नहीं कर रहे जितना कि बड़े लोग एक दूसरे के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और उल्टे सीधे कॉमेंट्स लिख रहे हैं या किसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे तो यहाँ के आपको पता ही है, बच्चे तो झूठ बूट यहाँ पर नहीं बोलते, तो ज्यादा गेम खेल लेंगे, लेकिन जो बड़े लोग हैं ना, मैं तो कहती हूँ उन बड़ों को कैसे सुधारा जाएगा। किसी के पास इसका कोई टिप होना कि बड़े लोगों को कैसे सुधारा जाए कि वो सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करें, तो वो जरूर आकर शेयर करें इसके ऊपर, ये कहना चाहती थी ना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं भी यही चाह रही हूँ कि हम लोग इस चीज पे बात करें, इसको हाईलाइट करें, किस तरह इसको सही हो सकता है, क्या कर सकते हैं लोग, क्या करना चाहिए। जी हेलो जी। नहीं नहीं देखिए, इसमें ये तो अब कंट्रोल में नहीं है ये जी, ये आपको लग रहा है कि सब कुछ निकल चुका है। नहीं नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता कोई ऐसी चीज, ये तो बिल्कुल ही इसको खत्म किया जाए तो फिर कह सकते हैं। अगर ऑन गोइंग ये प्रोसेस है और ये कंटिन्यू चलता है तो इसमें अला बला जो जिसका दिल चाह रहा है वो उसके साथ जो है ना, मतलब खिलवाड़ कर रहा है, और इसकी कोई अफादियत नहीं रही, कोई जिसकी जो जिसके लिए ये बना उससे बिल्कुल उस ट्रैक से हटा हुआ है ये चीज। सही कह रहे हैं कि जब ये बना था, जब बताएं कि जब बना था तो लोग कितना शौक था, लोग जाते थे, बहुत सारी चीजें इस पे होती थी। अभी एक कॉलर कह रहे हैं ना कि जी इसमें जो भी चाहे हम रेसिपी ले सकते हैं, जिसके बारे में चाहे हम बात कर सकते हैं, वो सही है। ये तो देखे, मैंने यही उनसे कहा कि बता दें कितने फीसद है, आप तो कर रहे हैं, चले उससे ले रहे हैं, मगर कितने लोग हैं, मगर अब वो लोग तो इस पे पॉजिटिव चीजें नहीं पिकअप कर रहे, सारी नेगेटिव चीजें ले रहे हैं ना, अपनी दुश्मनियां सोशल मीडिया पे निकाल रहे हैं हर चीज। आप सोचिए इस वक्त हाल ये कह सकती हैं आप कि आटे में नमक के बराबर, अगर कोई इससे अफादियत, कोई उससे बेनिफिट ले रहे हैं या कोई लर्निंग, कोई प्रोसेस उनका चल रहा है बिटवीन इस मीडिया के, तो समझ में आता है सोशल मीडिया के साथ। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैंने कॉलर को होल्ड कराऊं जी, एक मिनट के लिए होल्ड करें, एक सेकंड होल्ड कर ले, मैं बात करती हूं। जी हेलो जी। अदरवाइज तो देखा जाए, ये तो मेरे ख्याल से मैं अपना एक तरबिया और अपनी राय दे रहा हूं कि ये आउट ऑफ कंट्रोल है, इसको कंट्रोल करना उस वक्त कंट्रोल में होगा जब इसको बिल्कुल ही खत्म कर दें, व्हाइट वॉश करके बिल्कुल हटा दें स्क्रीन पे ना, तो समझ में आती है बात। अगर आपने तो बिल्कुल ही बिल्कुल खुली छुट्टी दी हुई है हर आदमी को, हर शख्स को, दुनिया के किसी कोने में भी बैठा हुआ है, तो वो मुश्किल, ये मुश्किल टास्क हो गया है, मतलब इस सोशल मीडिया के हिसाब से ना। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, इनका भी मैसेज ले लूं। जी हेलो जी। जी मैं ये जो ये दूसरा टॉपिक है इस पर बात करना चाहूंगा। जी 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 बोले। सोशल मीडिया वाले भी देखिए, सोशल मीडिया पे तो बात की थी आपने पहले, सबसे पहले वही जो बड़े होते हैं ना बड़े, आपने पहले वाले टॉपिक पे तो बात ही नहीं की। मैंने की ना बात। अच्छा आपने की, दो तीन दफा करके गया मैंने कहा मेरी बात को आपने लाइन काट के दूसरी लाइन ले ली जी, वो कौन था, वो मैं तो था। अच्छा अच्छा, मैं समझी शायद कोई और था। तीन दफा आ चुका हूँ। अच्छा तीन दफा आ चुके, यानी कि आपको पता है आप तीन दफा आ चुके। जी 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 बोले। तीन दफा आ चुका हूँ। जी जी बोले 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 बोले। सस्ती शोहरत के लिए जो मीडिया है, सोशल मीडिया, देखिए हम हमारी जैसी एज के या हमसे कम की 40, आप तो नहीं, आप तो यूज नहीं करते सोशल मीडिया, जाते गए नहीं, मैंने आज तक नहीं किया। देखा मुझे पता था, फिर आप इसलिए आप बात ही नहीं करेंगे इसके ऊपर। नहीं आते ही नहीं ना, एक बात जिनको आता है ना, बहुत से लोगों को आता है, जिनको आता है वो भी इस्तेमाल नहीं करते, जो हमारी उम्र के पुख्ता उम्र के लोग हैं, जो कच्चे जहन के लोग हैं, और जो अभी उनको अकल नहीं है अभी, और समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा समझदार हैं, अकलमंद हैं, तो वो लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो लोग नेगेटिव पे पिला रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा है, वो हम लोग किससे तादाद में ज्यादा है, वही बस वही चीज है ना, ज्यादा है लोग जो नहीं होनी चाहिए, ये लोग ये नहीं होनी चाहिए, ये बंद हो जाना चाहिए बिल्कुल,
क्योंकि इससे माशरे में बुराइयां फैल रही हैं, बेतहा बुराइयां फैल रही हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि इससे बहुत डिवोर्स डिवोर्स भी फैल रही है इससे, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया से डिवोर्स हो रही है ज्यादा। और क्या क्या अब वो कहते हैं कि उनकी खिदमत क्यों करें, मियाँ की खिदमत क्यों करें, हमें सिंगल मदर के अलाउंस मिल जाता है, सोशल मीडिया से सारी न्यूज मिल जाती है उनको, सब पता सब एक चीज का पता है लोगों को, तो इसलिए डिवोर्स चोरी चकारी हर चीज हो रही है। थैंक यू, फिर बात होती जी। हेलो जी, जी देखिए अब आप, आपको हाथ के हाथ रिजल्ट मिल गया, सौ में एक आदमी ऐसा है जो इस्तेमाल नहीं करता, उन्होंने अभी कह दिया। देखिए आपने एक कॉलर ने कह दिया सौ में से एक ऐसा, देखिए ना एक कॉलर ने आके कहा, देखिए मैंने कहा ना कितने फीसद उन्होंने बताया, सारी पॉजिटिव चीजें बताई ना, देखिए अब इतने लोग अलग अलग हैं, इतनी सारी देखिए ना अब देख लें दुनिया में कितने लोग भाई हैं जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, हर ही चीज आ रही है। बट आप ये देखें ना पहले जो आपने कहा ना कि पहले देखें आया था पॉजिटिव के लिए ये चीज, ये जो आई थी वीडियो सोशल मीडिया जो बनी थी, मगर अब जो काम हो रहा है इसके ऊपर ये देखें लोगों ने अवाम ने ही गलत कर दिया ना इसको सारा कुछ यूज करके। वो तो देखिए वही वाली बात आ गई ना कि आज जब 10 आदमियों में से 9 ने तो ऐसा काम किया जो कि चाहते ही थे कि हम चाहते ही थे कि हम इसको नेगेटिव ही लेके जाना है, नेगेटिव ही लेके जाना है, तो उन्होंने वही की, तो इसमें रोक टोक तो नहीं थी ना इसमें, तो अब हुआ कि अब इतनी पोजीशन आ गई है कि अब 99% लोग ऐसे हैं या 98% ऐसे लोग हैं जो वो नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं जी, और कितने लोगों का नुकसान भी इन लोगों ने किया, कितने लोगों की बेइज्जती कर दी आने के बाद, ये मतलब ये इसका अब्यूज करने की वजह यही है। अभी देखे ना उन कॉलर ने कैसे कहा, बात करेंगे सोशल मीडिया की वजह से तो डिवोर्स भी बहुत ज्यादा होती है, अब अंदाजा लगाने, हालांकि वो सोशल मीडिया यूज नहीं करते पर उनको पता है डिवोर्स का इशू कहाँ से बढ़ रहा है, वो कह रहे हैं सोशल मीडिया से बढ़ रहा है, तो ये तो फिर उनकी राय है। 1% में तो मैंने उनको कंसिडर किया था तो वो भी मैं निकाल लेता हूँ, तो 100% लोग हैं जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं जी। आपने तो 1% रख लिया था कि चलेंगे उसमें, एक सेकंड जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ये कहना चाहती हूँ रेहान साहब से मेरा तो सियासी खिलाफ होता है, लेकिन उन्होंने इतनी सही बात बोली है, क्योंकि सोशल मीडिया के जितने यूट्यूबर्स हैं, मेजोरिटी यूट्यूबर्स जो है वो जो मशहूर यूट्यूबर बन गए तो उनकी डिवोर्सेज हो रही है। अभी भी एक और बहुत मशहूर थोड़ी, उसकी भी डिवोर्स हुई है अभी, मेरे ख्याल से दो दोस्त ही हुए होंगे, तो मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हो गए आपके, तो फिर आपका इतना दिमाग खराब हो गया कि आप बेवजह में, आप इतनी छोटी बच्ची भी आपकी, तो वो बच्ची के ऊपर अब लड़ाइयां चल रही है वहां पर, पाकिस्तान की यूट्यूब की बात बताइए, उनकी डिवोर्स हुई है, तो इससे सारे सोशल मीडिया के ऐसे जो लोग यूट्यूब और आज मैं पढ़ी थी लाहौर में एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया और उसके 6-7 साथियों को उन्होंने नर्सेज और डॉक्टर को पता नहीं क्या मशरूब पिला दिया और उनकी वीडियोज बना ली, तो फिर उन्होंने साइबर क्राइम सेल में शिकायत की थी, तो फिर उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये देखें आप ये देखें ना जो अभी बात कर रहे हैं, जैसे डिवोर्स की बात की, अगर इसी सोशल मीडिया को ही देख लें, अब एक कॉलर ने जो बोला कि भाई इसे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैंने कहा 100%, मगर अभी जो लोग यूज कर रहे हैं आप देखें ना, लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं, रेप के वीडियो बना लेते हैं, वीडियो बनाने के बाद क्या कहते हैं, कहते हैं जी हम अभी सोशल मीडिया में डाल देंगे, तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। अभी देखें कितने केसेस पकड़े गए पाकिस्तान के अंदर, आप देखें बच्चे बच्चों के साथ, एक सेकंड होल्ड करें जी 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 जी, उनको जो रिचार्ज करवाने जाते हैं ना वहाँ पे, उसकी लड़की बेचारी की रह गई थी, उसने कोई तस्वीरें उसने निकाल ली उसमें से, जो शॉपकीपर था, और उसने ब्लैकमेल करना शुरू करा, गुजरात में उसने सुसाइड कर ली लड़की ने, ये मेरे ख्याल से 3-4 हफ्ते पहले पुरानी बात है, जब से वो बेचारी लड़की बेकसूर थी उसकी, उसने तस्वीर उल्टी सीधी उसको भेजी और कहा कि मुझे मिलो आके ये करो, उसने खौफ के मारे उसने गले में फंदा डाल के खुदकुशी कर ली, तो इस तरह के किस्से भी हो रहे हैं, तो कैसे लोगों के दिमाग चल रहे हैं, यही तो बता रही हूँ कि कितना खराब लोगों की सोच कैसी हो रही है। अब आप देखें ना इसका इस्तेमाल है, ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल, लेकिन भाई हम तुम्हें दुनिया में बदनाम कर देंगे अगर तुमने ये हमारे साथ नहीं किया, तुम हमारे साथ नहीं आई, तुमने हमसे दोस्ती नहीं की, कहीं जाके वीडियो बना लेते, गलत वीडियो बना लेते, तो देखिए किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह लोगों को यूज किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, इतनी मनफी खबरें कि वो इंसान सुने तो उसका दिमाग ही घूम जाता है कि क्या ये भी हो सकता है,
तो मैं इसकी बिल्कुल 100% टाइप करूंगी कि उसका ज्यादा मनफी इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है और उसका मुस्बित इस्तेमाल बहुत उसके पॉजिटिव यूज नहीं किया जा रहा है। जी पॉजिटिव यूज नहीं किया जा रहा, पॉजिटिव के लिए आया था ये, मगर बन गया अब क्या जिंदगी के लिए। दुनिया आगे जाती है, हम कहीं पीछे पूरे पुराने पत्थरों के दौर में नहीं जा सकते, लेकिन अपने आपको दुरुस्त करने की अच्छा जरूरत है। तो हम तो सिर्फ द्वार के अलावा कुछ कर नहीं सकते। वो सही कहते हैं भाई की इसमें अब सुधार हम कैसे करें, क्योंकि लोग जो है वो सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं ना जिनका दिमाग इसी तरफ चलता है, तो वो बस वो यही सब हरकत कर रहे हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इवन के दूसरे की जान लेने का। देखिए अब कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं, लोग कहते हैं कि कोई मसला ही नहीं है, किसी को भी अगर बदनाम करना है, किसी को भी कुछ करना है, आपके पास एक सेलफोन होना चाहिए, बस खत्म। कहानी एक छोटी सी वीडियो बनाई, उसमें आपने एडिट कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शक्लें तक तो चेंज कर देते हैं लोग, कहीं की कहीं शक्ल लगा के तो वो डाल देते हैं। अब बताए जी, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और आप कर रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहती हूँ बच्चे तो गेम ही खेल रहे होंगे ना, तो बच्चों को तो फिर भी नजर रख लेगा इंसान, उनको कुछ सिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो बड़े हैं हमारे माशरे के, तो बड़े बिगड़ गए, जो बड़े ही बिगड़ गए, तो आप बताइए कि माशरा कैसे वो ठीक होगा और दुरुस्त होगा। तो अल्लाह ताला हमारे बड़ों को भी समझदारी दे, जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं उससे बाज रहे हैं। बस ये मेंशन करना चाहती हूं समीना, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। हेलो जी, जी हेलो, मैं ये कह रहा हूँ कि सियासत के अलावा ये जो मजहबी बात पे जो ये बोलती हैं, ये इनकी राय और मेरी राय एक ही होती है। अच्छा ये बात है, नहीं देखा। अच्छा मजहबी बातें करती हैं, जो जो आपकी राय उनकी राय एक होती है, एक ही फिक्र के हम, बस आप एक ही फिक्र के हम, बस पॉलिटिक्स में अलग है, एक ही फिरका है आप लोगों का, फिरका नहीं फिक्का, फिक्का, अच्छा एक ही फिक्का है, एक ही सोच, यानी एक ही फिक्का, एक ही सोच है आपकी, एक ही दिमाग के मानने वाले लगते हैं, मगर सिर्फ आपका पॉलिटिक्स में चेंज होता है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक। आपने देखा आज प्रोग्राम में देखा, रेहान साहब और एक और कॉलर है, उनकी बिल्कुल एक ही फिक्के के लोग हैं, एक ही सोच के लोग हैं, एक ही सोच लगते हैं, बस सिर्फ पॉलिटिक्स में चेंज है वो लोग। देखे ना आप, सोचे आके बताया उन्होंने कि मैंने बहुत दफा नोट किया, बल्कि बाकायदा था वो नोट करके रखते हैं अपनी डायरी के अंदर। जी जिसमें अच्छा अच्छा लगता है उनको सुन के। जी अच्छा देखिए, ये जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है ना, तो बात ये है कि जो मेरी राय है भाई, बुजुर्ग मुझसे इख्तलाफ भी बहुत करते हैं, मेरी राय ये है कि ये टेक्नोलॉजी है ये तो कम नहीं होगी। जी जैसे जैसे दिन गुजर जाएगा इससे बेहतरीन टेक्नोलॉजी आएगी। अब हमें इस मसले का हल किस तरह निकाले। जी तो एक मिनट के लिए होल्ड कर लें सर, एक सेकंड के लिए होल्ड करें। जी जी हमारा हमारा फर्ज है कि हम अपने आप को पहले सुधारें, अपने बच्चों से बात करें, उनको बताएं कि भाई कौन सी वेबसाइट पे जाएं, कौन से यूट्यूबर्स बेहतर हैं, कौन से बेहतर नहीं है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या। देखिए मीडिया का जवाब मीडिया के जरिए ही दिया जा सकता है। यानी आपको लगता है कि सोशल मीडिया इतना पॉपुलर है और इतना इफेक्टिव है, अगर उसको क्राइम बढ़ाने में तो उसको रोकने में भी इतना ही इफेक्टिव होना चाहिए या हमें करना चाहिए। अब सोशल मीडिया के अलावा देखिए टीवी है, तो टीवी पे इस तरह के ड्रामे बनाए जाएं, इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए जिसमें बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए, स्कूल में इस तरह की तालीम देनी चाहिए टीचरों को कि बच्चे उसको समझे कि भाई इसके क्या नुकसान है, किन मुकामात पे जाके वीडियो बनानी चाहिए, किस वक्त सेलफोन ऑफ रखना चाहिए, किस वक्त ऑन रखना चाहिए, सेलफोन क्यों रखना चाहिए। तो ये टीचिंग और ये मालूमात ये हर सतह पे जब तक नहीं होगी, यानी मैं सही हूँ तो मैं अपने बच्चों से बात करूँ, हम अपने बच्चों को टाइम ही नहीं देते, हम खुद इतना मसरूफ रहते हैं। फिर जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे टीचर बाकायदा हफ्ते में एक दिन दो दिन इस बात पे लेक्चर दें बच्चों को कि भाई ये सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान क्या है, आप अपने आप को इससे किस तरह महफूज रख सकते हैं। फिर हमारे अखबार हैं, हमारे टीवी हैं, हमारे ड्रामे हैं, फेसबुक है हमारा, तो और जो भी मीडिया हम यूज करते हैं उसमें हम इस तरह की बातें बच्चों को बताएं तो उससे कमी आ सकती। दूसरी बात और उससे ज्यादा अहम बात यह है कि जो लोग साइबर क्राइम में पकड़े जाते हैं या जो गिनती है उनको निशाने इब्रत बनाएं आप, ताकि आइंदा किसी की हिम्मत ना हो ऐसा करने की। हमारे होता यह है कि वो केस चलता है, बाहर सब लोग होते हैं, वो छूट जाते हैं, उनका देखा देखी दूसरे लोगों को और हौसला बढ़ता है। आप एक दफा सजाए तो दें, फिर देखें आप सब टीम की तरह सीधे हो जाएंगे। हम यहाँ पे क्यों नहीं करते ऐसा, मेरे
यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना जी। ये तो कोई इस्लामी मुल्क नहीं है, लेकिन सारे इस्लामिक लॉ इस मुल्क में फॉलो होते हैं। यहाँ पे क्यों किसी की मजाल नहीं होती कि किसी इस तरह की हरकत कर दे, इसलिए लॉ मजबूत है, लॉ मजबूत है और लॉ अक्रॉस द बोर्ड है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो ये चीजें कुछ चीजें है इस तरह, अगर हम आगे बढ़ेंगे और हमें बढ़ना पड़ेगा जी, बात ये नहीं कि हम आगे हमें बढ़ना पड़ेगा आज नहीं कल, कल नहीं परसों, बेहतर ये है कि हम आज इस तरह आगे बढ़े ताकि कल को देर ना हो जाए, यही कहना चाहता था मैं। बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, एक सेकंड के लिए होल्ड करें, एक सेकंड के लिए होल्ड करें था जी। हेलो जी, मैं ये कहना चाहता हूँ एक्सपीरियंस। हेलो जी, जी जी बोले जी जी। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका पहला वाला टॉपिक है हुकूमत के हवाले से, तो हुकूमत इदारों के खिलाफ तो कुछ कर नहीं सकती, ना कर रही है ना कर सकती है, पहली बात। क्योंकि इदारों ने, लोग कहते हैं ना कि हुकूमत जब आती है तो इदारों की उंगली पकड़ के चल रही होती है जी। ये इदारे, ये हुकूमत वो थी जिसको इदारों ने गोद में लेके झूले झुलाया है, ठीक है ना। तो पहले ये हुकूमत ही थी जो है ना इदारों के लिए बात करती थी, अब अपोजिशन जो बातें कर रही थी वो हुकूमत भी इदारों के लिए वही बातें कर रही है, तो उसमें क्या कहेंगे। अब आप देखें, अभी पिछले कॉलर ने आपसे एक बात कही कि सियासत में गुबार हर सियासत नहीं होती जी, तो फीसद बात है जी। इसलिए कि कुछ थोड़ा लोगों की असल में याददाश्त बड़ी कमजोर है जी। पीछे जाए थोड़ा तो नवाज शरीफ साहब के दौर में एक बार ऐसा हुआ था कि नवाज शरीफ साहब की जो जमात थी वो नैब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थी, क्योंकि उनके लोगों के ऊपर हाथ डाला जा रहा था, उनकी इंक्वायरियां खुल रही थी जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये किसी को पकड़ी उछालने की इजाजत नहीं देंगे और हम इनके पर कतर देंगे और इनके नाखून काट देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। आज और जब उन्होंने ये बात कही थी तो उस वक्त अपोजिशन ने बहुत शोर मचाया था कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, ये अपने आप केसेस बचाने के लिए नैब को जो है ना वो बेदस्तोपा करना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं। तो आज वही अपोजिशन हुकूमत में है तो वही काम वो कर रही है नैब के खिलाफ जो नवाज शरीफ ने पहले किया था। तो आप में उनमें आप अपने आप को सुपीरियर कैसे कहते हो, आप तो सारे काम वही कर रहे हो, कौन सा काम आपने नहीं किया। एलएनजी पे आपने इल्जाम लगाया, उधर शाहिद खाकान अब्बासी में केस बनाया आपने, इधर आप आ जाओ तो नदीम बाबर साहब मौजूद थे उस काम के अंदर जी। आटा चीनी स्कैंडल के अंदर आपने आसिफ जरदारी को मुलव्वस किया था, यहाँ जहांगीर तरीन और आपके दीगर खुसरो अख्तियार वगैरह मुलव्वस थे, आपने क्या छोड़ा है। आपने माशाल्लाह 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 पूरे नक्शे कदम पे चले, आप कोई काम ऐसा छोड़ा नहीं है आपने जो पिछली हुकूमतें कर रही थी, आप ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के वो काम कर रहे हैं जी। जी एक सेकेंड और करें जी। हेलो जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो आपके पहले टॉपिक पे सिर्फ दो लाइन का है कि ये बेसिकली एक ड्रामा लगा हुआ है, यानी कि आप में इसमें आपको कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही है जी। मैं वो बताता हूँ, इसकी वजह ये है कि इस ड्रामे के जरिए हुकूमत ये साबित करना चाहती है कि हम कठपुतली नहीं है, हमारे में भी अपना, हम जो है बाइख्तियार हुकूमत है जी। इसी तरह जो इनको लाने वाले हैं वही जो इनकी नाकामियों का इनके ऊपर मलबा पड़ा हुआ है, जो इसका जिम्मेदार इनके लाने वालों पर जाता है, वो उस मलबे को धोना चाहते हैं, वो ये तासर देना चाहते हैं कि ये हुकूमत जो है वो इतनी अपना इख्तियार रखती है कि वो अपना एस्टैब्लिशमेंट की चीजों पर भी तनकीद कर रही है। तो इसलिए ये तयशुदा एक ड्रामा है, इसके अलावा इसकी कोई हकीकत नहीं है। अब आ जाते हैं आपके दूसरे पॉइंट के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर बहस करना फजूल है, क्योंकि आखिर में नतीजा वही निकलना है जो एस्टैब्लिशमेंट में जाना है। ये सिर्फ एक ड्रामा हो रहा है और ये एक ट्रक की बत्ती के पीछे कौम कल गया, दोनों आपने माटे पूरे कर रहे हैं। अब आ जाते हैं सस्ती शोहरत वाली बात। सबसे पहले बात तो ये है कि जब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है जी, तो हम उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं जी। तो ये चाहे सोशल मीडिया हो, मैं इसके ऐसे मिसाल देता हूँ, मैंने एक कार्टून एक दफा देखे, तीन कार्टून थे साथ साथ जी, के पहले जहाज के ऊपर मुसाफिर सफर कर रहे हैं, तो जो ही जहाज ऊपर गया तो हर बंदा जो है अखबार खोल के बैठा हुआ है जी। फिर दूसरी तस्वीर है कि जो ही जहाज प्रवास करता है तो हर बंदा जो है टीवी ऑन कर लेता है। तीसरी तस्वीर थी जो ही जहाज ऑन होता है सबने जो है सेलफोन जो है वो अपने अपने जो है वो खोल लिए हुए हैं, सामने रखे हुए हैं। तो ये एक एवोल्यूशन है माशरे का।
अब बात है कि ये कहना कि ये गलत है या सही है, ये बेसिकली कोई टेक्नोलॉजी या कोई मीडियम जो है वो गलत या सही नहीं होता है जी। ये रवैये होते हैं जो उसको सही बनाते हैं या गलत बनाते हैं। अभी आप देखें कि जब शुरू में अखबारात शुरू हुए, अखबार शुरू हुआ तो अखबार मीडियम था न्यूज का या अदब का, लिटरेचर का। तो शुरू में जब अखबार था लोग पढ़ते थे या तो न्यूज के लिए पढ़ते थे या उसमें अदबी चीजें होती थी लिटरेचर के लिए पढ़ते थे। लेकिन जो जो वो चला फिर उसमें फिल्मी अखबार भी आ गए, फिर फैशन अखबार भी आ गए। अब हमें याद है जब बचपन में हमारे उस जमाने में फिल्मी अखबार अलहदा छपा करते थे, तो अगर गलती से कोई फिल्मी अखबार कोई किसी के पास आ जाता तो उसको छुपा के घर लेके जाते थे। हमारे घरों में वो फिल्मी अखबार कोई छुपा के लाया जाता था, यानी कि पेरेंट्स जो है उसको बर्दाश्त नहीं करते थे। अच्छा, उसके बाद जो है वो अखबारों में फिर फैशन में एक सेकंड के लिए होल्ड करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एक सेकंड के लिए होल्ड करें, मैं आपसे बात करूंगी, एक मिनट के लिए इनका मैसेज ले लूं, फिर आपसे बात करती हूं। जी हेलो जी 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 इसी तरह फिर जब रसाले शुरू हुए तो पहले जो रसाले थे वो लिटरेचर के ऊपर तिरक होते थे जी, फिर फैशन के ऊपर आ गए, फिल्म के ऊपर आ गए और फिर रेटेड जो है वो मैगजीन आ गए। तो वो अब उस जमाने में भी रेटेड मैगजीन जो है वो जो लोग थे वो छुपा छुपा के वो भी इस्तेमाल होते थे, पढ़ते थे जी। तो इसलिए ये जो प्रोसेस है एक सोसाइटी में ये शुरू से चला आ रहा है। अब इसके बाद जब फिल्म आई, शुरू में फिल्में आती थी, सिलाई आती थी, फिर माशक्ति आनी शुरू होगी, फिर उसके ऊपर लचरपन होना शुरू हो गया, फिर उसमें रेटेड फिल्में आना शुरू हो गई। तो वो भी एक मीडियम था उसमें। इसके बाद आ जाए आपने अब सोशल मीडिया पे भी जो अभी ये एवोल्यूशन प्रोसेस में है, अभी आप ये जितने हम लोग तनकीद कर रहे हैं, हम इसके सोशल मीडिया के सोसाइटी के ऊपर जो टोटल इम्पैक्ट है उसको नजरअंदाज किए बगैर कर रहे हैं। आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज करते हैं और कैसे नहीं यूज करते हैं। मैं आपको अपनी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं ट्विटर पे बहुत एक्टिव हूँ। मैं जब भी अपना कोई न्यूज आती है क्राइम की, जो जिन लोगों को मतलब कोई नहीं सुनता, जो जिन तक पुलिस नहीं पहुंचती, मैं उस बंदे की जो उस बारे में ट्वीट हुई होती है तो मैं उसको फौरन टैग कर देता हूँ उस शहर के पुलिस के जो CPO है या DPO है, उसको उसका एड्रेस ढूंढ के तो उसको मैं टैग कर देता हूँ। आप यकीन करें पुलिस डिपार्टमेंट उसके ऊपर रिस्पांस देती है कि हमने ये मुल्जम गिरफ्तार कर लिए हुए हैं या हम इसको करने की कोशिश करेंगे। तो हम ये तो देखते हैं कि गलत इम्पैक्ट है, लेकिन ये पॉजिटिव इम्पैक्ट ऐसे हैं। आप आ जाए एक पॉजिटिव साइट ऐसी है, अगर आप जाए ट्विटर के ऊपर के एक अपना ट्विटर अकाउंट के ऊपर जो है 10-10 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं, तो उनके ऊपर जब जाएं तो पॉजिटिविटी है उनमें नेगेटिविटी नहीं है। तो ये बात डिपेंड करता है कि आपके रवैये जो हैं वो कैसे हैं। आपकी सोसाइटी में अगर इखलाकी रवैये जो हैं वो नेगेटिव तरफ जा रहे हैं तो उस लिए आपको वो फील होता है, लेकिन आप किसी ऐसे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में है जहाँ पे वो नेगेटिव यूज नहीं हो रहा उसका, तो वहां पे उसका इम्पैक्ट आपको डिफरेंटली मिलेगा। तो इसलिए ये कहना कि सोशल मीडिया बिल्कुल ही गलत है ये अपना सही बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि सस्ती शोहरत, आप खत्म कर रहा हूँ 5 सेकंड, सस्ती शोहरत, आप ये सस्ती शोहरत का पैमाना क्या है? आप कोई मजहबी तौर के ऊपर अपना चीजें जो उसको पोस्ट करता है तो जो लिबरल माइंड का है वो इसको कहता है कि ये सस्ती शोहरत के लिए ये कर रहा है। जो फैशन वाला है वो फैशन के अंदाज से कर रहा है, तो जो रिलीजियस माइंड है उसको कहता है ये सस्ती शोहरत के लिए कर रहा है। तो ये सस्ती शोहरत नहीं है, हर बंदा अपने जो उसकी जबिलत है अपनी उसकी इंसानी उसके मुताबिक वो अपना आपको एक्सप्रेस कर रहा होता है। तो एक्सप्रेशन जो है हर बंदे का एक डिफरेंट है, किसी की नजर में वो सस्ती है, दूसरे की नजर में वो ठीक है। तो इसलिए ब्लेम नहीं किया जा सकता कि एज ए होल जो है वो सोशल मीडिया जो है वो गलत है, उसमें पॉजिटिव चीजें नहीं है। थैंक यू। जी हेलो जी जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैंने भी बड़ी लोगों की बातें सुनी है सोशल मीडिया में, और मैं इंतजार करता रहा कि कोई डिफाइन करे कि सोशल मीडिया है क्या, अच्छा और बुरा तो एक उसका पहलू है। तो सोशल मीडिया इज बेसिकली एन इनेबलर जी, जो आपको इनेबल करता है किसी काम के करने के लिए जी, बता तो खुद वो कुछ नहीं है मगर आप में सलाहियत पैदा करता है। अगर उस इनेबलर अगर आप उसको नेगेटिव इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप नेगेटिव कर सकते हैं, अगर आप पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पॉजिटिव कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया इज एन इनेबलर। ओके, अब इंसानी फितरत ये है कि अगर उसको ये यकीन हो जाए
कि वो जो है एनोनिमस रह सकता है, यानी उसकी उसकी जो पर्सन उसकी जो उसकी जो क्या कहना चाहिए वो अगर उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है तो वो गलत काम करने पे मायल होता है, ये इंसानी फितरत है। अगर आप उसको अगर अगर मुझे अभी एश्योरेंस है कि मैं कोई गलत काम करूं और पकड़ा ना जाऊं मोस्ट प्रोबेबली आई विल डू इट, ये इंसानी फितरत है। मैं ये बेसिक बात, अगर आप मेरे सामने दोस्त तो अगर मैं एनोनिमस हूँ आपसे किसी बात से मेरा इख्तलाफ हो जाता है तो अगर आप मेरे सामने होंगी तो शायद मैं आपसे कोई सख्त बात करने से जो है एहतियात करूंगा, मगर आप कुर्सी पे बैठी हैं, आप इना आप रिमोट हैं और मैं समझता हूँ कि मेरी जो आइडेंटिटी है वो जो है वो एनोनिमस है, मैं आपसे सख्त बात करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली प्रॉब्लम जो लोग नेगेटिव और पॉजिटिव और योर वो इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया इज एक्चुअली एक्ट के आदमी की पर्सनैलिटी क्या है, और इंसान की पर्सनैलिटी ये है कि वो अगर उसको इस बात की जमानत मिल जाए, एंड आई एम 100% श्योर अगर उसके इस बात की जमानत मिल जाए कि कोई गलत काम करने पे वो नहीं पकड़ा जाएगा तो वो गलत काम करेगा। हमारे पास जो एडवांटेज है या जो लोग जिनके पास दीन है उनके पास ये एडवांटेज है कि हमें पता है कि अगर हमें कोई देख नहीं रहा तो भी अल्लाह देख रहा है। व्हाई डू वी स्टॉप एज अ मुस्लिम, करेक्ट? द ओनली रीजन वी स्टॉप इज दैट वी नो दैट देयर इज समबडी हु इज लुकिंग एट इट। जी, तो ये इनेबलर जो है इसको इस्तेमाल करना चाहिए या फिर लोग करते हैं अपनी शख्सियत के हिसाब से, जिनकी शख्सियत में ये चीज मौजूद है, जो उनकी फितरत में मौजूद है कि वो नेगेटिव एस्पेक्ट लें तो वो नेगेटिव एस्पेक्ट लेते हैं और उसको इनेबल के उस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है आगे ले जाते हैं, जो उसको प्लेटफॉर्म के तौर पे पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेना चाहते हैं वो उसको आगे ले जाते हैं। आप अपने प्रोग्राम्स में ही देखते हैं कि लोग कितनी धड़ल्ले से जो एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, और मुझे पूरा यकीन है अगर वो आमने सामने बैठे हों तो इस तलखी के साथ एक दूसरे से बात ना कर सकें। जी, ये तो आपने सही तो कहा, एक दूसरे के सामने बैठे हों तो शायद तलखी के साथ बात ना कर सके, तो मगर आपके पास जो बेसिक आपको फायदा है सोशल मीडिया का, आपको जो एडवांटेज मिलता है कि आप एनोनिमस रहते हैं, दूसरे को पता नहीं होता है कि क्या आपकी आप कौन है, उसकी बुनियाद पे आप जो चाहे कर सकते हैं। जी चलिए जी, बहुत शुक्रिया, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, कहीं नहीं जाएगा, साथ जाइएगा, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। पूरे ऑन्टेरियो में लाखों लोग अपनी कोविड 19 की वैक्सीन हासिल कर चुके हैं। हेल्थ कनाडा की मंजूरशुदा तमाम वैक्सीन्स महफूज और अस्पतालों, डॉक्टर्स के दफातर, फार्मेसीज और आवामी वैक्सीनेशन के मुकामात पर हासिल हैं। अपना किरदार अदा करें, अपनी वैक्सीन हासिल करें। 300 जुबानों में मदद के लिए ontario.ca/bookvaccine पर जाएं या 1-888-999-6488 पर कॉल करें। आपकी रिहाइश ऐसी हो जहां जिंदगी की सहूलत मयसर हो, जो आपको बुलंदियों पर ले जाए, तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल अमित ओबेरॉय से। GTA में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आपको घर खरीदना हो, बेचना हो या करना हो मुनाफे का इन्वेस्टमेंट, मेरे तजुर्बे से आज ही फायदा उठाएं। आज ही कॉल करें अमित ओबेरॉय 6472918102। अमित ओबेरॉय, ब्यूटीफुल होम्स यू कैन अफोर्ड। ₹2020 का लाजवाब ऑफर, जहां हम 0% फाइनेंसिंग पर आपकी मन पसंद कार दे रहे हैं, फ्री विंटर टायर्स, और साथ ही हम मुफ्त ऑयल चेंज भी दे रहे हैं, वो भी उम्र भर के लिए। अभी आएं और इस लाजवाब ऑफर का लुत्फ लें, जल्दी करें। आपका खुशामदीद हमारे आउटलेट में, जो कि 60 क्विंट्स प्ले ड्राइव एट इंटरसेक्शन क्लोज टू हाईवे 27 एंड रेक्सडेल अपोजिट टू वुडबाइन रेस ट्रैक। जल्द से जल्द इस ऑफर का लुत्फ लें, आज ही कॉल करें सुनील अग्रवाल को 6477030218। KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan and 905-367-9433. Or visit www.gaskhantravels.com. देखिए खेल की आवाज
हर पीर शाम 7 बजे। आज की बात समीना जबीन के साथ हर मंगल रात 8 बजे। इस्लाम इन मॉडर्न टाइम हर मंगल और जुमा शाम 6 बजे। कनेडियन मोजे हर बुध रात 8 बजे। रियलिटी कॉफी टॉक हर जुमेरात शाम 7 बजे। टुनाइट टॉक हर जुमा शाम 7 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तियाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तियाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज डीलर हैं। 5-स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तियाब हैं जो आप बा आसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. डिक्सी और एग्लिंटन के इंटरसेक्शन पे तशरीफ लाइए ज़ौक रेस्टोरेंट। जायहेदार लजीज खानों का मरकज, पाकिस्तानी, इंडियन और हक्का चाइनीज। आप हमसे लाइव बारबेक्यू और कैटरिंग के लिए राब्ता कर सकते हैं। राब्ते के लिए हमारा नंबर 905-625-7786। ज़ौक रेस्टोरेंट, ज़ौक वालों के लिए। Help those who are in dire need. Help low-income tier. Volunteers are ready to help families in need. We are serving people daily, delivering to white-collar people, commission-based workers, women who stitch, factory workers, and many more classes. Every day through our enablement drive and constant support from friends and family, we have served over 1,300 families with ration hampers worth 5 million rupees. Your donation can save lives. The best charity is given in Ramadan. Awaz Entertainment Foundation. Donate now. KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan and 905-367-9433. Or visit www.gaskhantravels.com. ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज इंटरटेनमेंट पे देख रहे हैं। मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी हेलो जी। जी जी देखें जी। बात हो रही है कि काफी मतलब एक सिलसिला एक बात से बात बढ़ती जा रही है जी। एक कॉलर आपके अच्छे कॉलर है, बड़े प्यारे कॉलर है, मुझे भी पसंद है वो। उन्होंने तो ये कह दिया मेरे तो उनके ख्याल मिलते हैं। किसने? तो कहने ख्याल मिलते हैं, यानी उन्होंने रेहान साहब ने कहा ना जी के दूसरे कॉलर से मिलते हैं। दूसरे बोले तो उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल इनकी पॉलिटिक्स पे नहीं मिलते, मगर इन चीजों में मेरे बहुत मिलते हैं। मैं इनके और मेरे ख्याल में बहुत इत्तेफाक है दोनों में। अच्छा मैं चले वो तो ठीक है, वो तो उनकी अपनी राय है ना। देखिए आप छोड़े इनके ख्याल को, छोड़े आप अपने ख्याल मिलाए इन कॉलर के साथ। हाँ देखिए वो जो है ना असल में क्या है, आप लोग इतनी गौर से
कोई बात सुनते हैं कि ये कॉलर ने ये कहा कि ख्यालात मिलते हैं, उन्होंने भी आगे फौरन आगे एक पॉइंट किया कि जी मेरे ख्यालात तो उन कॉलर से बहुत मिलते हैं, अक्सर मैंने देखा है, वो नोट कर दें। अब आपने आगे फौरन कहा कि आप छोड़े इनके ख्यालात को, क्या मिलते हैं क्या जुलते हैं, आप अपने ख्यालात मिलाएं लोगों से। बड़े प्यारे कॉलर, मुझे भी पसंद है ऑनेस्टली, उन्होंने तो ये भी कह दिया मैं तीन दफा आया हूँ, अब चौथी दफा वो बेचारे कह रहे हैं, हंस के बोले थे। और आप ये सोचिए कि अगर मैं उनको एक सेकंड के लिए होल्ड पे रखती हूँ कि दोबारा ले लूंगी, कोई कॉलर आ गया वो कहेंगे आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, आप तो मेरा लेना नहीं चाहती, आप मुझे होल्ड पे डाल देती हैं, आपने मेरा ये नहीं किया। अच्छे कॉलर हैं वो, बहुत अच्छे कॉलर। देखिए बात ये बहस नहीं है, बहस ये हो रही है अरे भाई ये इसको कंट्रोलेबल है या नहीं है, ये कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं है। इस वक्त 2021 है, पिछले 10 सालों में चले गए, 15 सालों में चले गए, ये कंट्रोल में नहीं हो सकता। ये उस वक्त होगा जब एक चाइल्डहुड टाइम, बच्चा बड़ा हो रहा है, यानी इट्स एज ऑफ स्कूल, स्कूल गोइंग, उसको आप समझा सकते हैं, उसको इस्तेमाल में नहीं करने दें। तो ये एक इनिशियल आपका स्टेप होगा, ये नहीं बहस है। अभी आपने कॉलर की बात सुनी, उन्होंने बताया कि पॉजिटिव आके बताया कि जी हम नहीं कहेंगे इसको कि ये नेगेटिव फैला रहा है, ये पॉजिटिव है, मैं तो ट्विटर पे अपना वो भेजता हूँ, फौरन उन पे एक्शन लिया जाता है, क्राइम पर उस पे इतने सारे 1 मिलियन के फॉलो अप है, ये है वो है, हालांकि समझ नहीं पा रहा है कि बात हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, हम मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। तो मैंने आपसे ये कहा ना, फिर 1% जी 1 मिनट के लिए होल्ड करें, सेकंड के लिए, जी 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 1% हमने उनको कंसिडर किया था आपके कॉलर को, तो उन्होंने भी कहा नहीं नहीं नहीं, तो फिर मैंने 100% कर दिया कि भाई नेगेटिविटी फैला रहा है जी। लेकिन ये इसकी कंट्रोल कैसे किया जाए, ये कंट्रोलेबल नहीं है, ये उस वक्त तक नहीं है जब तक इसको बिल्कुल खत्म नहीं कर दिया जाएगा, बल्कि खत्म नहीं होगा। आज अब इस वक्त ये एप्स काम कर रहा है तो दूसरा डेवलप कर देते हैं एप्स को, लोग उस पर चले जाते हैं। तो यानी देखें फेस टाइम, इंस्टाग्राम, तो व्हाट्सएप, तो ये सारी चीजें, और ये यूट्यूब और ये टिकटॉक बनाना, ये सारा कुछ नई चीजें आ रही है ना भाई, नई सी नई चीजें आ रही है। ये पाबंदी लगी तो दूसरा आ जाता है उसका सॉफ्टवेयर जी। तो जिस तरीके से वो लोग ऐप डेवलप करते जा रहे हैं, तो इसको कंट्रोलेबल तो नहीं है। लेकिन देखिए सवाल पैदा होता है, देखिए फायदे के साथ आप नुकसान भी तो गिनवाए ना, जो चीजें माशरे में चल रही हैं, दुनिया में चल रही हैं। जिस तरह अभी हमने बात की आपको कि रेप के केसेस, अब रेप के केसेस आप सोचें कि लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता है। अभी मैं 2 लोगों के इंटरव्यू सुन रही थी लड़कियों के, जो लड़कियां कह रही थी कि हमारा इसमें कसूर ही नहीं है, कि वो उन्होंने किस तरह हमारी वीडियो बनाई, शक्लें तक तो चेंज कर देते हैं, हम तो उस पे बात कर रहे हैं ना, वो आके लोग बात ही नहीं करना चाह रहे चीज के ऊपर, कि आप सोचें शक्ल उस लड़की की शक्ल पे लड़के की शक्ल लगा दी। अब देखिए कितना टेक्नोलॉजी तरीके से उन्होंने चेंज कर दिया, अब उनकी वीडियो बना ली गलत तरीके से, और अब उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि पैसे दो, इतने पैसे नहीं दोगे तो हम फलाको दिखा देंगे, इसको दिखा देंगे, तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे, हम सोशल मीडिया पर डाल देंगे, फिर देखो तुम्हारी वीडियो, तुम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। हम उस चीज को बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं, मगर लोग समझ नहीं रहे इस बात को। जी जी ये फोटो आपका वो जो होता है फोटोशॉप है या दूसरे सॉफ्टवेयर है जो जिस पे ये काम होता है, तो ये चीजें उसकी तस्वीर उसके उस पे ट्रांसफर हो रही, तो ये चीज कंट्रोलेबल नहीं है जी। ये उस वक्त कंट्रोलेबल कह सकते हैं जब ये बिल्कुल ही आपके स्क्रीन से खत्म हो जाए, डिसअपीयर हो जाए, तो आपका आप बिल्कुल मतलब हो जाएंगे कि हाँ भाई अब तो ये काम था। अभी आप देख रहे हैं कि एक, मैं अभी पर्सनली बात बता रही हूँ कि देखे एक जगह पार्टी में मेरे एक बहुत अच्छे से एंकर थे जो बाकायदा बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, आप लोग भी उनको जानते हैं, मैं नाम नहीं मेंशन कर रही इस शो के अंदर, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो किसी प्रोग्राम में ऐसे चले गए, उनको बुलाया गया किसी उसके लिए अच्छे काम के लिए बुलाया गया, पर उसके बाद जाके जो है ना उनके लिए जब तस्वीर उनकी फेसबुक पे डाली गई, तो उसके बारे में उनके बारे में ऐसी गलत गलत चीजें उनको लिख के उनको डाला गया, उसको पोस्ट किया गया, प्रेजेंट किया गया, और वो कह रहे हैं कि जिन लोगों के साथ उनकी तस्वीरें डाली गई है, वो कह रहे हैं उस वक्त मैं वहां मौजूद नहीं था, उनका बैग लेके पता नहीं किस तरह डाल दी तस्वीर, किस तरह एडिट करके डाल दी गई। अब वो परेशान है बेचारे। अब आप खुद सोचेंगे, जो आज मैंने टॉपिक दिया है, मैंने उन्हीं की वजह से दिया ये टॉपिक आज, कि मैंने कहा चलें देखते हैं कॉलर से बात करके देखते हैं कि ये चीजें क्यों हो रही हैं, क्यों यूज की जा रही है इस तरह गलत तरीके से। अब वो कह रहे हैं कि अब उन्होंने कह के तो पोस्ट अपनी हटवा दी, कि मैसेज लिखा कि मेरी पोस्ट हटाओ, हटा दी गई। मैं कहा वो पोस्ट जब जहां जहां गई वहां तो चली गई ना लोगों के पास, लोगों ने तो स्क्रीनशॉट कर करके तो भेजना शुरू कर दिया, इसलिए कि उनका एक प्रोग्राम के अंदर एक चैनल पे बैठ के प्रोग्राम करते हैं, उनका एक बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह से, एक बहुत लोग उनकी फ्रेंड फॉलोइंग है, लोग उनको पसंद करते हैं। अब उनके बारे में कोई इस तरह गलत चीज लिख के अपने पेज पे डालेगा, तो आप बताएं कि उनका
उनकी फैमिली अगर देखें, उनके बच्चे देखें, तो अपने वालिद साहब के बारे में जो वो बहुत अच्छा सा इमेज बनाए हुआ है, और उनका है भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा इमेज, अब उनके बारे में जब इस तरह के लफ्ज यूज किए गए हैं, तो आप सोचिए जब वो पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उनके बच्चे अपने वालिद साहब से सवाल नहीं करेंगे ये क्या चीज़ है, और वो गए थे एक अच्छे चीज के लिए गए थे, पर वहां जाके उन्होंने देखा कि मॉल सही नहीं है, मैं क्यों इस तरह यहाँ पे आ गया, तो वो निकल गए, और निकलने के 10-15 आधे घंटे वो रुके, आधे घंटे के बाद उनके साथ ये चीजें हो गई। तो आप ये सोचेंगे मैं तो एक सच की आवाज हूँ, एक लाइव शो कर रही हूँ, एक अच्छा शो कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैंने लाके ये टॉपिक दिया, पर आप इस टॉपिक पे लोग बात नहीं करना चाह रहे, मेन चीज ये अब लोग अच्छाइयां गिनाए जा रहे हैं, सारी चीजें गिनाए चला जा रहे हैं, कि हम मानते हैं कि बहुत अच्छा, हम नहीं कह रहे कि बुराई है, पर हम वो चीजों को रोकने की बात कर रहे हैं जिन चीजों के लिए हम चाह रहे हैं कि आप लोग आके बात करें। वो पोर्शन ही जरा सा एक सेकंड होल्ड करें, मैं आपसे लेती हूँ जी, आपके एक सेकंड होल्ड करें, मैं आपको लेती हूँ जी 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 जी। छोटा सा पोर्शन है जिसे आप विजिबल नहीं होगा अगर आप बोले ना जी, कि भाई खराब नेगेटिविटी की जो डायरेक्शन है वो उसका जो मैप होगा बहुत बड़ा होगा जी, इसका कम है वो लोग हैं। अब देखे ना, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो इस तरह का यूज कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं कि हमारे लाइक्स बढ़ जाएं, हमारी शोहरत हो जाएगी, हमारे इतने व्यूज आ जाएंगे, तो हम पता नहीं दुनिया को फतह कर लेंगे, हम पता नहीं क्या चीज फतह करके बैठ जाएंगे। उस चीज को चाह रहे हैं कि अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आप अच्छी चीज लेकर आ रहे हैं, आप इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम, आप इसको यूज करें, हम सब लोग साथ देंगे उसका, मगर लोग तो गलत चीजों का ज्यादा साथ देते हैं यहाँ पर। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कितनी भी बहस कर लें, इतने टॉपिक कर लें, इनमें से कुछ लोग, कुछ परसेंट ऐसी आएगी जो कहेंगे अच्छाई भी है। मैं कहता हूँ अच्छाई उस वक्त थी जब इसकी शुरुआत हुई थी, आहिस्ता 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 कम होते 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 अब वो ऐसी चीजें आने लग गई जिसका बंदा सोच भी नहीं सकता, या कहेगा कि यार ये भी मुमकिनात में सदा इस सोशल मीडिया पे ये भी ऐसा हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ये वो लोग हैं जो नेगेटिविटी फैलाने के एक आदि हो गए, उनको एडिक्शन है इसकी सोशल मीडिया की, और वो सही कह रहे हैं, उनकी रात दिन ओढ़ना बिछोना मैंने कहा उनके लिए वही है, वही है, बिल्कुल आपने सही कहा, ओढ़ना बिछोना उनके लिए वही है। एक मिनट के लिए होल्ड करें, मैं सबके मैसेज ले लूं। जी हेलो जी 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 जी। अच्छा, आप ये पूछ रही है ना कि ये कैसे खत्म होगा, इसको कैसे कम किया जाए, जैसे जो गलत चीजें हो रही है उनको कैसे कम किया जाएगा, मेरा सवाल ये है जी। जी इसका मैं एक आपको सिंपल सा आंसर दूंगा कि तकवा हमारे मुसलमानों से खत्म हो गया, जिसे कहते हैं अल्लाह का खौफ है खुदा जी। जब हम में तकवा ही नहीं है तो ये चीज, जब बुराई को बुराई नहीं समझेंगे, अल्लाह का खौफ ही खत्म हो गया। रमजान का महीना आता है, ये जो रोजे रखे जाते हैं ये किस लिए होता है कि हम छुप के भी रोजे में होंगे तो छुप के भी नहीं खाएंगे, अल्लाह ताला देख रहा है जी जी। ये वो जो अल्लाह ताला का देखना हमारे अंदर जो आ जाता है ना, तो वो एक महीने के बाद कहाँ चला जाता है जी, सिर्फ एक महीने के लिए आता है। ये वो चीज है कि अल्लाह से मांगो कि वो हमें तकवा अता कर दे, जब तकवा आ जाएगा ना तो आप समझें कि फिर बुराई भी हमारे सामने होगी तो हम उससे अपनी आंखें नीचे कर लेंगे, सही। तो देखेंगे नहीं उस बुराई को, चलेंगे ठीक। तो ये वो चीज है जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं समझता हूं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। हेलो जी जी, हेलो, प्लीज लीव अ मैसेज आफ्टर द टोन व्हेन डन जी। हेलो 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 जी, हाँ जी जी। बात ये है कि मैंने पहले बताया ब्रेक से पहले जो कॉलर बातें करते हैं बड़ी पॉजिटिव बातें करते हैं, उसमें मैं थोड़ा इजाफा करता हूँ। देखें ये टेक्नोलॉजी का ये प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया, ये एक एवोल्यूशन, एक मिनट के लिए होल्ड करें जी जी जी, एक एवोल्यूशन प्रोसेस में है। जब ये शुरू हुआ इसके ऊपर कोई चेक नहीं था, बाद में इसको फिर रेगुलेट होना शुरू हो गया, और अब उसके बाद ये प्लेटफॉर्म जो है ये बजाते खुद भी जो है वो फिल्टर करते हैं, जब ऐसी बातें होती हैं जो फॉर एग्जांपल वायलेंस और ये होती है वो खुद ब खुद उसको वो कवर अप कर देते हैं स्क्रीन को। सिंपल सी बात ये है कि हमें बुराई जो है ना वो तो फौरन हम उसको नोटिस कर लेते हैं, लेकिन जो अच्छाई हो रही होती है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, बल्कि उसको बल्कि अपना बिल्कुल देखते भी नहीं है कि उसमें क्या हो रहा है। सिंपल सी बात यह है कि हमने अपने दिनों को बहुत महदूद कर लिया हुआ है, हम सिर्फ वो देखना चाहते हैं जो हम देखना चाहते हैं, यानी हम उसको उस चीज को कहते हैं कि सही है जो हमें पसंद है। हम ये नहीं सोचते कि इसको एज ए होल सोसाइटी कैसे लेती है। अब जितने लोग आगे कहते हैं जी बहुत 1% 2%, आप लोग पता नहीं कौन सी साइट देखते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म देखते हैं, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जब आप उनके ऊपर जाएं
तो आप जो है आपके कान खुद अपना जो अकल जो है उसके दरवाजे खुलते हैं। अब टिकटॉक आपको बहुत सारी नेगेटिव तो बहुत नजर आती हैं, लेकिन कभी आपने जाके टिकटॉक की वो अपना अकाउंट भी देखे हैं जहाँ पे पॉजिटिविटी फैल रही होती है? किसी ने नहीं देखा। और इसलिए कि जो देखने वाले इतराज कर रहे हैं वो चस्के लेते हैं उन्हीं टिकटॉकर को देख के जिसमें वो लचरपन होता है, लेकिन जिसमें सीरियस बातें होती है उन टिकटॉकर को जाके नहीं देखते। इसलिए ये सोशल मीडिया का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है जो हम अपने महदूद दिन के साथ उन चीजों को देख भी रहे होते हैं और उसको फिर इनकार अपना जो है इतराज भी कर रहे होते हैं। आपने सवाल किया कि इसको कैसे आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरी वेबसाइट के ऊपर बाज़ात लोग जो है वो गलत किस्म के रिमार्क देते हैं, मैंने कभी उनको अपना ब्लॉक नहीं किया और कभी उनको कुछ नहीं किया। मैं उसके जवाब में जो है ऐसे अपना मस्बत किस्म के रिमार्क देता हूँ कि अक्सर इन 80% केसेस वो लोग जो है माजत करके जाते हैं, वरना नॉर्मली पॉलिटिक्स में जो लोग होते हैं वो आगे से 10 गालियां और निकाल के जाते हैं। उसके बाद आपके पास मजीद और ऑप्शन है जो आपको एक मुआशरे के एक फर्द के तौर पर करने चाहिए। हम वो उससे फरार करते हैं और हम टोटल से चीज को यह गलत कह रहे होते हैं। आपने जितनी भी अपना गलत देखी वेबसाइट के ऊपर जाके वो अपना मैसेजेस देखे, क्या आपने उसको देख के अपना माशी अपना माशर्ती किरदार अदा किया? नहीं किया। अगर आप वो समझते हैं कि आप माशी किरदार के खिलाफ है, क्या आपने उसको कभी रिपोर्ट किया उनको? मैं 99% जो लोग हैं उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं। अगर आपको कोई पोस्ट गलत मिलती है जो किसी के करेक्टर असैसिनेशन होती है, आप उसको रिपोर्ट करें और आप वो देखेंगे कि विद इन 2 डेज जो है वो ब्लॉक हो जाएगा वो फोन। सही कह रहे हैं, जो है हमने काफी देखा। अगर कोई इम्पर्सनेट कर रहा है किसी दूसरे बंदे को, दूसरे का नाम यूज करके अपना अकाउंट बना के रखा हुआ है, मैंने खुद आजमा के देखा, मैं हालांकि मेरा उससे कोई तलक नहीं होता। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने भी किया, हमने काफी दफा एप्लीकेशन जाती है। एक सेकंड, तो मैंने माशरे के एक फर्द के तौर पे उसके ऊपर रिपोर्ट किया कि ये बंदा अपने आप को इम्पर्सनेट कर रहा है, वो अकाउंट उन्होंने बंद कर दिया। बंद कर देते हैं वो लोग। ये है कि हम माशरे से अपना किरदार अदा नहीं कर रहे होते हैं और एज ए होल जो है वो उस प्लेटफॉर्म को गलत कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। हेलो जी, जी हेलो जी, मैं ये कहना चाहता था कि अगर ये जो आपने मौजूद दिया है, दूसरा वाला मौजूद जो दिया है जी, अगर ये पाकिस्तान के हिसाब से बात की जाए ना तो उसको रोकने के दूसरे तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे। कनाडा में अगर होगा उसके तरीके दूसरे होंगे जी। कनाडा में क्या तरीका होगा? कनाडा में ये है कि यहाँ के जो कल्चर है वही वो है ना जी, वही सेम चीज है, वो बिगड़ा हुआ है ना कल्चर के हिसाब से, तो वो वही उनका माशरा है ना, तो उसको तुम सही नहीं कर सकते। पाकिस्तान का तो इस्लाम का ये इसका कह के फलाना कह के उस पर कंट्रोल भी पाबंदी लगा देंगे, कुछ कर देंगे, यहाँ तो आप उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते ना। यहाँ तो ये बेईमानी जो है कल्चर का हिस्सा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप टिकटॉक पे और इस चीजों पे आप कैसे पाबंदी लगा सकते हैं? अगर आप लगा सकते हैं तो फिर ठीक है, ये तो गैर मुल्क है ना, ये तो हमारा मुल्क तो है ही नहीं ना ये, तो यहाँ आप किसी चीज पे पाबंदी नहीं लगा सकते। जैसे जो वो कहते हैं उनके कहने पे हमको चलना होता है। चले ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में पाबंदी लगा सकते हैं, यहाँ नहीं लगा सकते? लगा सकते, यहाँ नहीं कर सकते, कुछ ही कर सकते। चले आगे आपका, चले सही हिस्सा है, आगे ना पूरा मैसेज आपका। थैंक यू बहुत शुक्रिया। वरना आपको तो अगर मैं होल्ड पर डालूंगी तो आप कहेंगे कि मेरा मैसेज पूरा नहीं लिया, इसलिए मैंने पूछा। आपका मैसेज पूरा आ गया, आपने कहा कि एक लाइन आपने 2 दफा नहीं 3 दफा बोली गई जी यूं, तो मैंने कहा पूछ लूं जी। हेलो जी, जी जी जी, सोशल मीडिया को जो है रेगुलेट सोशल मीडिया की मैनेजमेंट ने करना होता है, किसी हुकूमत ने नहीं करता, चाहे आप पाकिस्तान में हो चाहे आप कनाडा में हो। जी जी, अगर जो चीज माशर्ती इकदार के खिलाफ है, जो चीज किसी की करेक्टर असैसिनेशन की बात हो रही है, जो चीज किसी की पोजीशन को डिग्रेड कर रही है, तो वो हर सोसाइटी में ही गलत होगी, चाहे पाकिस्तान हो चाहे कनाडा हो। और अगर वो आप उन प्लेटफॉर्म की एडमिनिस्ट्रेशन को आप जब रिपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर अमल होता है। थैंक यू वेरी मच जी। हेलो जी, जी जी जी, देखें इस काम में एक फर्द यानी जिसे कहते हैं एक टीम वर्क भी कह सकते हैं, वो लोग जो नेगेटिविटी फैलाने के ग्रुप में चाहते हैं कि इसके खिलाफ ये एजेंडा है, ये हथियार इस्तेमाल करना है, तो उसको चढ़ाने में एक आदमी को 5 आदमी का हाथ होता है, वो बढ़ती है बात आगे। एक आदमी वो होता है जो उसका काम ही यही होता है कि बस किसी के पीछे लगे रहना, उसको बदनामी
उसको रुसवा करना माशरे के अंदर या उसके दोस्तों यारों में रिश्तेदारों में, वो उसका डेली का काम होता है जी। वो डेली बेसिस पे काम करता है। इसका रोकना सिर्फ यही है, वो शख्स के खुद ही दिमाग में आए, वो खुद ये सोचे कि यार ये मैं किसी के खिलाफ ये गलत बात कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं करनी चाहिए, ये अखलाकी तौर पर गलत है, और एक देखा जाए अगर वो जुर्म की शक्ल है तो ये जुर्म है कि भाई मुझे नहीं करना चाहिए, उसकी सास को नुकसान पहुंचाने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे जी आप मुंह दर मुंह बात कर सकते हैं, आप उसको फोन पे बात करते हैं, आइदर आप मुंह पे बात कर ले नहीं, मगर उन्होंने कहा ना कि सामने तो बात नहीं कर सकते। जिस तरह उन्होंने आके बताया कि भाई आपको लिखने का, जैसे आप अगर कॉलर आके एक दूसरे पे इतनी बात करते हैं, एक सेकंड होल्ड करें जी, हेलो एक सेकंड होल्ड करें, जैसे कॉलर आके एक दूसरे की पर बात कर लेते हैं, अगर सामने बैठे हो तो 100% इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, उनको नहीं लगेगा। तो इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर कुछ बोलना है तो आराम से लिख देते हैं बड़ा सा मैसेज उसके खिलाफ, मगर सामने बैठा होगा तो उसके साथ नहीं बोलेंगे। उन्होंने ये आके एक्सप्लेन किया, इस्तेमाल का जी इस्तेमाल का सही तरीका भी है ना, यही तो नहीं है कि गलत ही तरीका है। तरीके तो दो ही है ना, या तो गलत तरीके से या सही तरीके से। आपका इस्तेमाल, शुरुआत मैंने आपसे कहा अच्छी हुई, एजुकेशन लेवल पे बात करते हैं। अब जैसे कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो मीडिया में आए, जितनी फेमस हासिल की इन्होंने 22 करोड़ की, तो उसमें भी उन्होंने सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल किया गया। देखा ना पहले कॉलर यही आके बोलते थे सोशल मीडिया पे एतबार करते हैं, उन्होंने तो चैनलों को बिठा दिया, उन्होंने तो कहा कि मैं अपना ट्वीट देते अपनी स्पीच करते हैं, तो सोशल मीडिया ही उनको आगे लेकर आई है। पूरा सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है उनको आगे लाने में, जो उनको कामयाब करने में। देखें अब ये पॉजिटिव तरफ कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को ये पॉलिटिशियन ने अपना आपको एक यानी शो अप करा या लोगों के तरफ ये मैसेज पहुंचाया कि मैं वो जल्दी चला गया उस पे। देखे ना कि कोई पाबंदी नहीं है। अब देखे सोशल मीडिया का एक तरफ ये पाकिस्तान जो अभी बात हो रही है, सोशल मीडिया का यूज इस तरह होता है कि कोई खबर, एक छोटी सी खबर भी है, उसको अगर पहुंचाना है पूरी दुनिया के अंदर, तो सोशल मीडिया का साथ लेते हैं और पहुंचा देते हैं। अब आप देखें न्यूज में, टीवी चैनलों पर वो नहीं चल सकती, इसलिए कि पैमरा पहले देखेगा, फिर उसके बाद वो देखेगा कि जा सकती है खबर, नहीं जा सकती है, नहीं जा सकती तो वो मना कर देता है कि पूरी टीम बैठी होती है भाई ये खबर तो किसी सूरत भी मीडिया में बात नहीं कर सकते। पर सोशल मीडिया ऐसी है कि अगर लोग कहीं से भी लेते हैं अपना, बस वीडियो बनाई उन्होंने और इनको क्लिक मिल गया, एक लिंक मिल गया, उन्होंने लेके डाल दिया, अब वो वायरल हो गई है, खबर पहुंच गई दुनिया में जाके सब जगह। आपने देखें, अब ये बात की मैं आगे बढ़ाऊं इस बात को, ये मैं कहूं इसमें रोक टोक नहीं है, रोक टोक नहीं, कोई ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पैंपरा का कुछ इशू नहीं है, कुछ नहीं है। आप वो कह रहे हैं ना आके कॉलर कह रहे हैं कि भाई अगर आपके बारे में गलत है तो आप उसको इन्फॉर्मेशन कर दें तो उनका ब्लॉक हो जाएगा, अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, दो दिन के लिए ब्लॉक हो जाएगा। अरे इसके लिए काम भी तो कितना करना पड़ेगा आपको ब्लॉक करने के लिए, अगर आपके पास प्रूफ है आप दे, अगर वो देखेगा फेसबुक वाला देखेगा कि भाई इसमें कुछ नुकसान है तभी वो ब्लॉक करेगा। वो ऐसा तो नहीं है ना कि हर एक का अकाउंट ब्लॉक कर दे, एक छोटी सी खबर भी मगर जिसकी इंसर्ट करनी है उसने उस तो कर दी हो चुकी होगी ना, और वो तो चला गया ना लोगों के पास उसका मैसेज, तो जो काम उसने करा था कर दिया, बाद में वो फेसबुक से ब्लॉक होगा तो होगा। इसकी एग्जांपल देखें, इसकी एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं, जबान से निकली हुई बात और ये कैंची चलती हुई को आप ना नहीं रोक सकते ना, वो तो अपना काम करेगी, वो तो अपना काम करेगी, और जिसने काम ये करना है वो तो कर दिया उसने अपना काम। अब वो बाद में जाके अगर ब्लॉक होता है एक हफ्ते के लिए या 7 दिन के लिए, जो उनका फॉर्मेट है उसमें ब्लॉक होता है, तो वो डिफरेंट स्टोरी है, ब्लॉक हो गया तो हो गया, मगर जो काम जी अब उसने तो हजारों लाखों में तो उसकी बात चली गई ना, ये चीज है जी। हेलो जी, जी हेलो जी, हेलो जी। बात सारी एक ही, देखिए इलेक्ट्रॉनिक जो टीवी और ये सारे रेडियो और ये सारे जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एक प्रिंट मीडिया है, तो ये इन पे तो आप रोक टोक होती है, वो पूरे रूल्स रेगुलेशन काम कर रहे होते हैं, आप इस तरह नहीं कर सकते। लेकिन जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, अगर आप इंडिविजुअली किसी को टारगेट कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ बुरा कुछ लिख रहे हैं या उसको बुरा बनाने की पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर तो वो कभी भी एक्शन नहीं लेते कि किसी एक बंदे की शिकायत पे वो उसका सवाल ये पैदा होता है कि जब तक तो उसका मकसद तो पूरा हो जाता है ना, जो बंदा उसको बदनाम कर रहा है तो जो करना चाह रहा है वो तो हो जाता है, उसके बाद अगर एक हफ्ते के लिए वो ब्लॉक भी होता है तो उसको क्या फर्क पड़ता है, एक हफ्ते बाद फिर हो जाता है वो नया। देखें आप सोचें कि कितने लोग हैं जिनके 10-10 पेज बंद हुए, दोबारा खुल गए इनके पेज, नए बन गए पेज, पैसा खर्च किया उन्होंने नया पेज बना लिया जी, बिल्कुल अपना पेज वो किसी और नाम से बना देते हो। हाँ, तो कितने लोग हैं जिन्होंने फेक पेज बना के बैठे हुए, फेसबुक की आईडी उनकी फेक है, कुछ है क्या है, कितने हजारों लाखों करोड़ लोग हैं इसी तरह के, और जिनके जो बिल्कुल
सीरियस तरीके से अपने पेज बनाते हैं, अगर उनका पेज एक बंद भी हो जाता है, समझे कितने दिन के लिए, 15 दिन के लिए बंद है, 20 दिन के लिए बंद है, दोबारा नया पेज आके दोबारा से उस पर लाइक्स बढ़ा लेते हैं, बना लेते हैं, अपना कर लेते हैं। बात ये तो असल तो ये सोच को तब्दील करने की जरूरत है, और सोच कहाँ तब्दील हो रही है लोगों की, नहीं सोच ही तब्दील हो रही है। अगर आप किसी को कोई सही बात बताने की कोशिश भी करें तो वो आपको इस तरीके से भी, सबसे मेन मसला ये है कि देखिए जिसका जो मकसद होता है ना, जो गलत सोच लेके आया है उसको आगे बढ़ाना है, वो अपना सोच पूरा कर रहा है इस चीज से, ये सवाल बिल्कुल कर रहा है, और उसको कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं रोक सकता, क्योंकि अखलाकियात की, अखलाकी तकाजे की बात करें तो अगर उसमें इतना अखलाक होगा तो वह हरकत करेगा ही क्यों। जी ऐसी बात है, अगर उसके अंदर अखलाक की नाम की कोई चीज तो मौजूद ही नहीं है, तो वो इसी वजह से। और पहले तो ये होता था कि हम हमारे भाई बहुत अच्छी बात करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी एक अपने मिसाल दी थी कि जब आप इस तरह बात बात कर रहे होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर शिरकत करते हैं शो के ऊपर, तो आप किसी को नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन बहुत प्यारी उन्होंने, देखिए उन्होंने एक्सप्लेन किया, बहुत प्यारी बात की उन्होंने आने के बाद, मैं लगी एक सेकंड होल्ड करें, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जी समीना लोग नजर भी आ रहे होते, तो लोगों की हालत ये हो गई है कि वो अपने आप को छुपा भी नहीं रहे, जी 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 बात करने में अपना कोई पर्दा नहीं रख रहे हैं, उनका चेहरा भी नजर आ रहा है, उनकी आईडी भी सबको पता है, उनकी एक एक बात सबको पता है, लेकिन वो फिर भी यही बात कर रहे हैं। तो ये इसका तो एक ऐसी अजीब सी सिचुएशन है कि इसके ऊपर तो हम कुछ भी नहीं कह सकते कि अगर हम लॉ भी बना दे तो क्या एक एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए कोई लॉ तो नहीं बनाया जाएगा ना, कि अगर कोई एक बंदे को कुछ कह रहा है तो उसके लिए कोई लॉ बनाया जाएगा, या उसके साथ कुछ मिसबिहेव कर रहा है और जिस बंदे के साथ ये हरकत की जाती है उसकी जिंदगी पे इसका कितना बुरा असर पड़ता है, और पड़ भी रहा है जी, उसकी तो जिंदगी में परेशानी, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में परेशानी, बायस बन रही है ये सब चीजें। लेकिन हमारे, हम यहाँ पे कहते हैं हम आ गए, हम ज्यादा पढ़े लिखे, हम ज्यादा समझदार है, तो हमें थोड़ी सी समझदारी और थोड़ा सा ख्याल ज्यादा करना चाहिए कि हम ऐसी चीजों में नहीं मुलव्वित हो, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इधर भी आकर हमारे अपने लोग, जिन लोगों को हम जानते हैं, हमारे सर्कल में नजर आ रहे होते हैं, हमें मिल रहे होते हैं, वही लोग इस किस्म की हरकतों से इतना मुलव्वित होते हैं, और उनको कोई रोकने वाला भी नहीं, तो अखलाकी तकाजा, अखलाकी तौर से हमें कुछ नहीं करना चाहिए, तो वो अखलाक तो रह ही नहीं ना, है ही नहीं, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा जी, आप तो समझ रहे कि मैं इसी तरह मशहूर हो रहा हूँ, मशहूर, तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और बहुत अच्छा किया कि आपने ये टॉपिक रखा था, ताकि ये बात कम अज कम कुछ लोगों के कानों में जाए, तो शायद वो इस बात को समझने की कोशिश करें कि शोहरत हासिल करने के बड़े लातादार तरीके हैं, तो सस्ती और घटिया शोहरत हासिल करके आपको इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि हो सकता है इन फ्यूचर आपको इसका नुकसान ही, बस ये कहना चाहते थे। मेरा बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी, जी 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 जी, आपकी बातों से ऐसे लगता है कि जैसे आप बेबसी का इजहार कर रही। नहीं नहीं, बेबसी का आपने कहा, बेबसी का मैंने ये कहा कि आपने ये कहा कि जिसको देखे, मैंने ये कहा, आपने ये कहा कि देखे, मैंने आपकी बात नहीं, मैंने कहा आप भी, आपने भी बोला और लोग भी यही सोचेंगे कि भाई कोई बात नहीं, आप कंप्लेन कर दें, देखे आपने कहा कंप्लेन कर दें तो वो अकाउंट बंद हो जाता है, कितने दिन के लिए बंद होता है ये तो सभी को पता होगा जी, मगर मैंने आपको ये बता रही हूँ कि बेबसी की बात नहीं है, मगर ये बात है, कहने की बात है, जो हमारा इस वक्त नहीं, मगर इतराज मैंने नहीं कि आपने ये कहा कि आपको ऐसा लग रहा है आपको बेबसी का इजहार, मैं बेबसी का इजहार नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ अकाउंट तो लोगों के बंद हो जाते हैं, पर कितने दिन के लिए वो नए पेज बन जाते हैं, नए पेज बना के वो लोग सामने आ जाते हैं, पर जो देखे जो चीज लेकर आते हैं ना, जिसको उन्होंने बदनाम करना होता है, जिसके खिलाफ बात करनी होती है, वो जब खिलाफ कर देते हैं वो तो वायरल हो जाती है, चीज तो पहुंच जाती है, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, कामयाब होने के बाद वो दूसरा पेज बना के हाजिर हो जाते हैं जी। ये वही माइंड है कि जिसने अपने ज़हन में बिठा लिया हुआ है कि जो मैं, मुझे पसंद है, मैं सिर्फ वो देखना चाहता हूँ, ऐसी बात नहीं है, आप वो बात ही नहीं समझ पा रहे ना, असल बात ये कि आप ये कह रहे हैं इसने बना लिया कि जो चीज जी, आपने मेरी बात शुरू ही नहीं होने दी, आपने सुनी नहीं, आपने इतराज़ पहले कर लिए, अभी मैम पहले मेरी बात नहीं, मैंने तो आपकी पुरानी बात पे जो ना अपनी स्पीच दी थी, आप तो नई स्पीच कर लेने आए थे जी। बात यह है कि अगर हम बेबस हो जाए कि ये तो हो रहा है तो हम माशरे का हिस्सा है तो ये तो चलता रहेगा, तो ऐसे नहीं होता। मैंने पहले बताया कि ये एवोल्यूशन प्रोसेस है, इसमें पहले बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं होती थी, बाद में प्लेटफॉर्मों ने खुद रेगुलेट करना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने टॉपिक्स को जो है फिल्टर करना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने विजुअल को फिल्टर करना शुरू कर, फिर ऑडियो को फिल्टर करना शुरू कर दिया। अब यह है कि आप वो इस हद तक जाते हैं कि जो एक अकाउंट बंद होता है, अगर दूसरे से आता है, तीसरे से आता है, तीन चार के बाद वो ट्रैक कर लेते हैं कि ये फॉलोअर इसके कौन है, किस तरह है, वो उसको फॉरएवर भी बैन कर देते हैं। अगर ट्रंप जैसे बंदे का अकाउंट दोबारा नहीं खुल सकता तो एक आम आदमी क्या चीज है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि दुनिया का द मोस्ट पावरफुल पर्सन था, प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, इसी सोशल मीडिया की मैनेजमेंट में उसको अभी तक अपना बैन कर रखा है। तो इसलिए आप जो हकायक है उसे आप
सिर्फ आपने ये ले लें कि आपने अपने जेन में जो बैठा लिया हुआ है तो उसी के मुताबिक होगा, नहीं है। अब आप देखें, आप मेरा ख्याल में आप ज्यादा ट्विटर या फेसबुक को इतना यूज नहीं करती हैं। अभी आप कनाडा में ले लें, यहाँ के ट्विटर के ऊपर आप जब ब्राउज करें जरा किसी दिन, यहाँ पे आपको इस तरह के नेगेटिव चीजें नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? कि यहाँ पे लोकल लॉज भी है, डिफेमेशन अपना लॉज भी है, और उसके अलावा जब आप उसको किसी को रिपोर्ट करते हैं यहाँ लोकल पुलिस को भी, पुलिस भी ऊपर उसके ऊपर कनेक्ट करती है। इसी तरह हमारे मुल्क में ठीक है, पहले लॉ नहीं था, पिछली गवर्नमेंट में ला आया, लेकिन उसके ऊपर भी इतना अफेक्ट नहीं हुआ, अफेक्टिव नहीं था। अभी उसमें मजीद चेंज आए पाकिस्तान में क्राइम, जो साइबर क्राइम के ऊपर, अब आप वहाँ पे कंप्लेंट करें ना साइबर, आप बातें तो हम सारी करते हैं, लेकिन जिस अकाउंट से ऐसी गलत बातें आती हैं, आपने कभी पाकिस्तान के साइबर क्राइम में अपना FIA के यूनिट को कभी आपने रेफर किया? जितनी बातें लोग आगे यहाँ करते हैं किसी ने नहीं किया। अगर आप जरा करके देखें तो देखें FIA वहाँ पे एक्शन लेता है कि नहीं लेता। बात यह है कि हम अपने जो माशरती जिम्मेदारी है हम उससे फरार चाहते हैं, हम कुछ करने को तैयार नहीं है। हमारा जो एक नेचर करेक्टर है कि हमने क्रिटिसाइज करना है तो वो करना है। अब बात यह है कि जिसने गलत बात कहनी है उसने गलत कहनी है, आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसको रेगुलेट करवा। अब आप देखे ना कि यहाँ पे जो लाइव शो चल रहा होता है तो वो आके गलत गलत बात अपने मुंह से बोलते थे, और लाइव शो तो चली जाती है, लाइव शो में आप देखे ना उनको कितना दफा हम रोकते हैं मगर नहीं रुकते लोग, आपके सामने की बात है। इमरान खान साहब जो है इलेक्शन से पहले क्या क्या जुबान इस्तेमाल नहीं करते थे, ठीक है, नेशनल मीडिया भी उसको अपना नशर करता था, क्योंकि वो नेशनल मीडिया जो है उसके पीछे एक ताकत थी जो उसको रेगुलेट नहीं होने देती थी, वहां पे पैमरा को एनेक्ट नहीं होने देती थी। तो आजकल वो ऐसी बातें जो है वो सोशल वहां पे अपना नेशनल मीडिया पे क्यों नहीं आती है, क्योंकि इस वक्त पैमरा के पीछे डंडा है कि नहीं आपने ये एनेक्ट करना है ऐसी हर बात के ऊपर। तो ये सारा डिपेंड करता है कि आपकी हुकूमत या आपका माशरा जो है वो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है। जो आपने बात की कि वो गलत अपना जिसने वो पोस्ट किया, क्या कभी आपने हमें एज ए माशरे के फर्द के आपने उस पोस्ट के नीचे जाके आपने रिमार्क दिए कि ये गलत कर रहा है, ये गलत इसने कहा हुआ है? हम लोग नहीं करते, हम देख के पढ़ के आगे गुजर जाते हैं। एज ए सोसाइटी के फर्ज के हमारा ये फिर फर्ज भी बनता है कि हर ऐसी गलत बात के ऊपर रिएक्ट भी करें और वहां पे अपने रिमार्क्स भी दें उस पोस्ट के ऊपर। जब वो गलत पोस्ट के ऊपर चार रिमार्क आएंगे कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये गलत कर रहा है, तो जो उस पोस्ट को पढ़ने वाला है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट 10% रह जाएगा। जब आप ऐसे रिमार्क्स नहीं देंगे तो उसका इम्पैक्ट 100% रहेगा नए पढ़ने वाले के लिए। बात सिंपल सी ये है कि हम एज ए माशरा के फर्ज के अपनी जिम्मेदारियों से फरार चाहते हैं, हम सिर्फ तनकीद चाहते हैं। ठीक, इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया में खराबियां हैं और उसको रेगुलेट होना चाहिए, उसको खात्मा होना चाहिए, लेकिन ये कहना कि बिल्कुल वो सब हर चीज वहाँ पे गलत होती है नहीं, ये तो किसी भी कॉलर ने आके, मुझे नहीं लग रहा कि आज जब से प्रोग्राम किसी ने नहीं कहा, किसी कॉलर ने आके नहीं कहा गलत। हमने ये कहा है कि देखें, ये कहा गया है कि पहले जो था ये पॉजिटिव के लिए आया था मगर अब नेगेटिव के लिए बन गया बहुत ज्यादा, तो इसमें कैसे पॉजिटिव ला सकते हैं हम? यार सवाल ये आज जिन कॉलर ने सबसे ज्यादा टाइम लिया उन्होंने इसको 1% कहा कि 1% हो गया ऐसे होते हैं जैसे मैंने बात की। चलें एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी जी, इम्पैक्ट तो 90% 10% रह जाएगा, वो तो सही कह रहे हैं, मगर ये कि ये बात गलत है। वो यहाँ के हम किसी नेगेटिव बनाने पर किसी को रोक नहीं सकते। अगर नेगेटिव दो तरह की होती है, एक तो ये करप्शन है, चोरी है, डकैती है, ये है, चले ठीक है, दूसरी नेगेटिव होती है, चले सही, आपका मैसेज आ गया, फांसी होती है, चले ठीक है, फांसी को तो आप रोक ही नहीं सकते। हाँ हाँ सही कह रहे हैं, बहुत सही है जी, बहुत जी, बहुत शुक्रिया, मिक्स कर रहे हैं, थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, कहीं नहीं जाइएगा, साथ रहिएगा, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिएगा। पूरे ऑन्टेरियो में लाखों लोग अपनी COVID-19 की वैक्सीन हासिल कर चुके हैं। हेल्थ कनाडा की मंजूरशुदा तमाम वैक्सीन, सभी टीके सुरक्षित हैं और अस्पतालों, डॉक्टरों के कार्यालयों, फार्मेसियों और सामूहिक टीकाकरण स्थलों में उपलब्ध हैं। अपनी भूमिका निभाएं, अपना टीका लगवाएं। वेबसाइट ontario.ca/bookvaccine पर जाएं या 300 भाषाओं में सहायता के लिए 1-888-999-6488 पर कॉल करें। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर।
इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तियाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। KK Travel believe in providing everyone the first class customer service. We take care not only for your air ticket but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433. Or visit www.gaskhantravels.com. देखिए लाइव जुमे का खुतबा हर जुमा दोपहर 1:30 बजे। हालात हजरा हर हफ्ते की शाम 7 बजे। अवेयरनेस हर इतवार शाम 7 बजे। थिंक अबाउट इट हर मंगल शाम 7 बजे। कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें सिर्फ बातों ही बातों में हर जुमेरात शाम 8 बजे। मस्ती की शाम हर इतवार शाम 8 बजे। बच्चों की दुनिया हर जुमा शाम 5 बजे। लेट्स फाइंड आउट हर बुध की शाम 7 बजे। देखिए तकरा कीजिए तकरा समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज डीलर हैं। 5-स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तियाब हैं जो आप बा आसानी से ले सकते हैं। एट डिक्सी वी सेल क्वालिटी एंड डिलीवर कॉन्फिडेंस। ₹2020 का लाजवाब ऑफर जहां हम 0% फाइनेंसिंग पर आपकी मन पसंद कार दे रहे हैं, फ्री विंटर टायर्स और साथ ही हम मुफ्त ऑयल चेंज भी दे रहे हैं, वो भी उम्र भर के लिए। अभी आएं और इस लाजवाब ऑफर का लुत्फ लें। जल्दी करें आपका खुशामदीद हमारे आउटलेट में जो कि 60 क्विंट्स प्ले ड्राइव एट इंटरसेक्शन क्लोज टू हाईवे 27 एंड रेक्सडेल अपोजिट टू वुडबाइन रेस ट्रैक। जल्द से जल्द इस ऑफर का लुत्फ लें। आज ही कॉल करें सुनील अग्रवाल को 6477030218। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज इंटरटेनमेंट में। देख रहे हैं सबकी अपनी अपनी राय, सबकी अपना अपनी वो है, अपना अपना ओपिनियन है, सब अपना अपना ओपिनियन शेयर करते हैं यहाँ पे आके, अपनी अपनी राय देते हैं। जी हेलो। जी 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 नहीं देखें भाई, मैं बार बार यही बात हो रही है ना हमारी कि भाई ये 1%, 2%, 3%। अरे भाई मेजोरिटी अगर कह देना तो मेजोरिटी में जो है ना परसेंटेज चले मेंशन नहीं की, तो इसका इस्तेमाल ही नेगेटिविटी में की डायरेक्शन में जा रहा है। इसकी रोकथाम कैसे हो, ये वो जो फैला रहा है उसी की अगर उसकी अकल में आ जाए कि यार ये मैं काम गलत कर रहा हूँ, तो मैं वो बात एक समझ में आती है। इसका सोल्यूशन, इसकी रोकथाम मुमकिन नहीं आती है। अब का ब्लॉक करा दो, ये करा दो, भाई उसमें इतनी देर में तो मिलियंस लोगों के मैसेज पहुंच गए या उसकी वीडियो चली गई या उसकी पिक्चर चली गई। इसका तो वो बातचीत, देखें बहस होती रहेगी तो बहुत कुछ होता जाएगा। ये तालीमी कोई एजुकेशन कोई ऐसी नहीं रहा। स्टार्टिंग में अगर कहें तो समझ में आती है बात, लेकिन इस वक्त तक लेके आज तक भी अगर आप बोले आज की तारीख तक, तो वो उसका इस्तेमाल ही गलत हो रहा है ना। इस्तेमाल जो काम कर रहा है उसके बाद जो फैला रहा है, तो ये मतलब एक टाइप ऑफ चेन कह लें, पर चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब मिलियंस ऑफ लोग बढ़ रहे हैं, मैसेजेस जा रहे हैं। तो वो ये इस चीज को नहीं कह दें, परसेंटेज की बात चलो छोड़ दें अगर बोले, लेकिन मैं इस चीज पे नहीं हूं कि भाई ये
मेजोरिटी लोग ये कहेंगे ये पॉजिटिविटी की ये है। एक सेकंड होल्ड करें, जैसे एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, एक मिनट के लिए जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूं। बताएं कि सोशल मीडिया का जो यूज इस्तेमाल करते हैं लोग, सही इस्तेमाल हो रहा है या गलत इस्तेमाल हो रहा है, गलत तरीके से लोग यूज कर रहे हैं, इसके बारे में हम सवाल कर रहे हैं आप लोगों से, बताइए आप लोग। हाँ तो मैं ये कहूंगी, एक सेकंड के लिए होल्ड करें, एक सेकंड के लिए होल्ड करें, सबको लेती हूँ, सब होल्ड पे रहिएगा, जाइएगा नहीं, मैं सबको लेती हूँ जी। जी बोलिए जी। हाँ ये जो टिकटॉक है इसमें इसमें तो बच्चे बूढ़े जवान सबको जो है ना आर्टिस्ट बना दिया है, जिन लोगों के दिलों की ये ख्वाहिशात थी कि भाई हम भी कभी चांस मिले, क्योंकि पीटीवी के आगे तो पता है बहुत सख्ती थी, शनाख्ती कार्ड दिखाओ, अपॉइंटमेंट हो, फिर आप डायरेक्टर के पास जाते थे ना, इस तरह काम होता था। और वो भी सिलेक्शन होगी कि वो पूरे उतरेंगे लड़के लड़की जो है कि नहीं, तो अब जो है वो किसी को जरूरत ही नहीं है किसी प्रोड्यूसर की, किसी राइटर डायरेक्टर की, वो इतना इजी कर दिया है कि बच्चा बच्चा जो है, इवन ये कि एनिमल्स तक की आप देख रही होंगी कि बन रही है ना जी। तो बस वो तो ये सब लगे पड़े, दुनिया और बिजी है, इसमें कुछ होश नहीं है। मेरे भी सर्कल में कुछ लोग हैं जो बस कहते हैं भाई हम तो खुश हैं इसमें, तो मैं कहती हूँ कि वो अगर कोई अच्छा कुछ पॉजिटिव भी समीना बना रहे हैं ना वीडियोस, कोई मैसेजेस किसी के पॉजिटिव भी हैं, तो अगर पॉजिटिव मैसेजेस हैं या कोई फनी है, फन भी वो कि जिसमें किसी की कोई मतलब दिलचस्पी ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, तब तो ठीक है। लेकिन जो मतलब बहुत ही ज्यादा गलत किस्म की बना रहे, तो ये बताओ कौन गलत को सही कहेगा, कोई भी नहीं कहेगा ना जी। मेरा तो यही ख्याल है कि गलत को सही तो कोई भी नहीं कहेगा, कोई भी नहीं कहेगा जी। सही सही है ना। चलो मैंने सिस्टर, आपको याद होगा आपने आयशा पे प्रोग्राम किया था मीनारे पाकिस्तान वाले पे, जी जी याद है ना जी। आज आप देख लें उस औरत की असलियत खुल के सामने आ गई जी, कि उसने 5-5 लाख रुपए दिए थे 3-4 पार्टियों को कि लोग इकट्ठा करके लाओ, सही है, जो आपस में उनका झगड़ा हो गया जिसकी वजह से वो आगे ये बदमस्ती हुई, सही है। उसके बाद वो सोशल मीडिया पे आई, अपने आप को मजलूम दायर करने लगी जी। तो सिस्टर कहने का बॉटम लाइन मेरा ये मतलब है कि अगर आप हकीकत अगर आप सुनना चाहें ना, हकीकत ये है कि जो हमारा इस्लाम है ना जी, वो सही मानों में मगरिब ने उसको अडॉप्ट किया है जी। आप ये देखिए कि हमारे इन कनाडा में कोई इस तरह की सोशल वीडियो कोई किसी की हिम्मत नहीं है कोई डाल के दिखा दे, सही है, क्योंकि आपको पता है एक सेकंड के अंदर पुलिस दरवाजे पे खड़ी होगी, तो है ना, क्योंकि सही मानों में कानून इंसानियत इन मुल्कों ने ली है। हम लोगों ने क्या है कि हम लोग गोरे बनने की कोशिश करते थे और गोरे जो है हम लोग कभी बन ही नहीं सकते, कि उनको हम लोगों ने हमेशा बुरा समझा वहां पे। आप ये देख लेंगे गोरों में कि इंसान तो एक दूर की बात है, वो जानवर से कितनी मोहब्बत करते हैं, सही है, और हमारे मुल्क में क्या है कि इंसान की वैल्यू जो है वो जानवर से भी बदतर है। क्योंकि सारी बात ये है सिस्टर कि हम लोगों ने अपने आप को बहुत एडवांस करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से हमने उन्हें सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, ये बात है जी। हेलो जी जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम जी। वालेकुम सलाम जी। तो मैं बस ये कहूंगा, मैम बहुत से कॉलर्स अच्छी बातें कर रहे थे, सबने अच्छी बातें करी हैं, तो मैं सुन रहा था। तो मैं सिर्फ ये भी कहूंगा कि देखिए मीडिया तो मतलब वक्त के साथ साथ चेंज होता रहा है, कभी जो था प्रिंट मीडिया में था, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया, अच्छी प्रिंट मीडिया में अखबार न्यूज़पेपर या बुक्स वगैरह मैगजीन्स होते थे, उसमें अच्छे भी होते थे बुरे भी होते थे जी। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी आ गया, वीडियो वगैरह जो भी थी तो वो अच्छी भी होती थी बुरी भी होती थी, तो यूज करने वाले की बात है, यूजर की बात है वो उसको कैसे यूज करता है चीजों को। तो अब सोशल मीडिया है तो अच्छा भी उसका यूज है बुरा भी यूज है, और बिजनेस की आजकल जरूरत है। सपोज आपका चैनल है तो आपको अपना फेसबुक का वो भी चाहिए और यूट्यूब का भी इसमें अकाउंट चाहिए और अपना ट्विटर का भी चाहिए, इंस्टाग्राम व्हाटएवर, लेकिन उसके डिपेंड करता है कि लोग यूज कैसे करते हैं। तो आप कुछ लोग उसको गलत तरीके से यूज कर सकते हैं, उनकी रिस्ट्रिक्शंस होती है कि भाई आप किस किस चीजों पर उनपे पाबंदी लगा सकते हैं फेसबुक वाले, तो वो मुख्तलिफ चीजों पर पाबंदी लगा देते हैं, लेकिन आप वो इस चीजों पर पाबंदी नहीं लगा सकते कि कोई अब मेरे कोई जानने वाले हैं उनके उनके बारे में किसी ने पोस्ट लगा दी कि वो जो है वो एक खातून ने कि वो मुझसे शादी करने वाले हैं, अब उनके तो घर में फसाद हो गया, तो उनके और उनके लिए एम्बैरेसमेंट हो गई उनके सर्कल के अंदर के
अब वो अच्छे खासे यू नो खुशबा जिंदगी गुजार रहे हैं, अच्छी फैमिली के साथ बिलोंग करते हैं, और वो उनके आपस में ये प्रॉब्लम शुरू हो गई और उनके जानने वाले उनको कहने लगे कि तुम दूसरी शादी कर रहे हो क्या। तो मतलब ये इस चीज को तो कोई रोक नहीं सकता, ये तो इंडिविजुअल फेल है लोगों का, तो मतलब ये लोगों पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह यूज करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो लोगों पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह यूज करते हैं, ये बात बहुत अच्छी की आपने जी। तो ये है तरीका, बाकी जरूरतें चीजें यूज होती है, सही तरीके से भी यूज सकती है, गलत तरीके से भी यूज सकती है। देखे ना आपने कितना, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने, ये देखें कि किस तरह उन्होंने पोस्ट डाल दी, लिख के डाल दिया। अब घर वाले पूछ रहे हैं, छोटी सी एग्जांपल है जी जी, एक छोटी एग्जांपल ये कह दूंगा मैं कि अब छुरी है, छुरी से आप तरबूज भी काट सकते हैं, छुरी से किसी की गर्दन भी काट सकते हैं जी। तो बस इसी तरह की एक मिसाल है कि इसको किस तरह यूज किया जा सकता है, किस तरह यूज किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हेलो जी, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं समीना? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे? मैं ठीक हूँ समीना। मौजू तो बहुत अच्छा है और लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल बहुत किया है जी, क्योंकि देखे आप दुनिया है, खवातीन को ही ले लें आप, आती हैं 100-100 पिक्चर एक प्रोग्राम की डालती हैं, ठीक है, और फिर जो बातें होती है वो, अगर किसी की लड़ाई भी हो रही है, किसी का झगड़ा भी हो रहा है, तो वो भी फेसबुक पे लग रहा है जी, किसी का कोई भी मतलब गलत हो रहा है तो वो भी फेसबुक पे लग रहा है, अच्छा हो रहा है वो भी फेसबुक पे लग रहा है। इवन औरतें जो हैं इतनी छोटी छोटी बात भी फेसबुक पे डाल दी होती है, हमारे मियां नाराज हो गए, उनको मनाने के लिए क्या किया जाए, हमने ये पकाना है, इसको कैसे पकाया जाए, इस बात के लिए उसके लिए एक मशवरा चाहिए, मतलब हर छोटी चीज के लिए, बड़ी चीज के लिए इन्होंने मीडिया को ये बीच में लाए हैं और इसको इस तरह मिसयूज कर रहे हैं कि जिस मतलब जो कि नहीं होना चाहिए। औरतें हैं, टिकटॉक पे देख लें, अपना इंस्टाग्राम पे देख लें, बच्चों को देख लें, बड़ों को देख लें, सब एक खिचड़ी पका रहे हैं जी, है ना, खिचड़ी पका रहे हैं, मिलियन पे जा रहे हैं, अपने फॉलोअप बना रहे हैं, 1 मिलियन बन गए, ये 2 मिलियन बन गए, 4 मिलियन बन गए, लोग लड़ते हैं, अगर आप उनको उनकी पिक्चर पे कमेंट्स नहीं करें तो लोग लड़ते हैं क्या आपने हमारी पिक्चर पे कमेंट्स नहीं किया जी, आपने हमारे टिकटॉक पे कमेंट्स नहीं किया, तो हमने तो शायद देखा भी नहीं हो। लोग अपने इवन अगर कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा कोई पहली दफा काम करने जा रहा है तो वो भी टिकटॉक पे उस पर डाल रहे हैं, टिकटॉक पे डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, मतलब मीडिया को इन्होंने खेल बना लिया है, जिसके बहुत सारे लोगों के घरों में लड़ाई फसाद इतने हुए, यानी कि आपने देखा कि लोगों के घर में इस वजह से इतनी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इतने ज्यादा सब क्यों, क्योंकि देखे जो बात वो है छुपी हुई है वो फेसबुक पे जब आप डालेंगे या मीडिया पे डालेंगे तो वो तो सबकी नजरों से गुजरेगी ना, तो वो तो फिर मतलब झगड़ा, यानी कि आप ये कह रही हैं रिश्ते टूटने में भी है फेसबुक का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है, क्यों कि लोग हर छोटी बड़ी बात, जरा सी कोई नाराजगी हो गई फेसबुक पे डाल दिया, जरा सा कुछ हो गया वो फेसबुक पे डाल दिया, यानी कि आपको यही तो एक जिसने कहा, एक कॉलर ने भी शुरू में आके कहा था कि डिवोर्स का रीजन भी यही है कि फेसबुक का बहुत बड़ा इस्तेमाल है, जिससे डिवोर्स लोग ले रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो आपने भी ये कहा कि रिश्ते टूटने का भी जिम्मेदार ये फेसबुक को ही ठहरा दिया आप। एक 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 वाकये की मैं गवाह हूँ जी, कि किसी ने मतलब किसी की तारीफ की या उनकी अच्छी बात की, उनकी दोस्त थी, उन्होंने कहा कि वो तो उनका चक्कर चल रहा है उनसे, उनके घर में इस कदर झगड़ा हुआ जिसकी कोई याद नहीं, उन्होंने फेसबुक पर डाल दिया ये सारा कुछ झगड़ा चल रहा कुछ, है ना, उन्होंने स्टोरी बना के डाल दिया, उनके हस्बैंड को पता चला, उनके हस्बैंड ने इतना मतलब उनका घर टूटते टूटते बचा, अब अंदाजा लगा लें, अब उनका कोई कसूर भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, वो बेचारी के बारे में इतना लिख दिया कि वो हस्बैंड साहब जो कर रहे हैं, किसी की भी तारीफ होते इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम किसी बुरी नियत से कर रहे हैं या किसी उससे कर रहे हैं, अब इतना आसान हो गया लोगों को ढूंढना कि अगर कोई छुपा हुआ भी है ना तो लोग फेसबुक से ढूंढ लेते हैं।
और किसी को गलत बात किसी के बारे में कहना भी है तो आपको आराम से, जिस तरह मेरे कॉलर ने आके कहा कि इसका इस्तेमाल इतना आसान है कि लाइव शो में आके आपके मुंह पे तो बगैर देखते हैं आवाज तो अपनी देख के तो बात कर सकते हैं, कॉलर के ऊपर भी बात कर सकते हैं, मगर अगर सामने बैठे हैं तो बात नहीं करेंगे, तो वो बहुत ईजी तरीका है कि सामने तो नहीं नजर आ रहा ना बंदा, तो उसके बारे में फेसबुक पे जाए, उसकी प्रोफाइल पे जाए, जाके आप लिख दें जो भी कमेंट्स आपने लिखना है, और लिखने के बाद आप आ जाए, आपने अगर गलत बातें लिखनी है तो गलत बातें भी एक पूरा पेज का लिख के दे सकते हैं आप। इतनी आईडी बनाई है, हर आईडी से किसी के ये लिख दिया, किसी अपने दूसरी आईडी से जी, एक सेकंड हो गया, हर आईडी से आप अपना कुछ कर सकते हैं जी। हेलो जी जी, देख लिया आपने, सुना इन कॉलर से क्या खूबसूरत बात और क्या खूबसूरती से इस्तेमाल किया जा रहा है सोशल मीडिया को जी, ये हाल है। तो ये इसमें कुछ दो यही तो कह रही हूँ ना कि वो लेडीज नहीं आई ना, लेडीज को ये टॉपिक नहीं बताता, वरना बहुत सारी लेडीज इस प्रोग्राम में जरूर आती है और जरूर हाईलाइट करती है। सोशल मीडिया से देखे ग्रुप है, उनको पता है, जो सोशल मीडिया की एडमिट बनी हुई है उनसे पूछे वो किस तरह हैंडल करती है अपने सोशल मीडिया का, पेज को किस तरह चला रही है वो, उनको कितना डिफिकल्ट का सामना करना पड़ा है, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, पर एक चीज है तो वो लेके चला रही है, उनको पता है कि कितनी गंदी लैंग्वेज भी इसमें यूज की जाती है, क्या क्या यूज किया जाता है, उन्होंने खुद मुझसे डिस्कस किया है, तो मैंने कहा ओ माई गॉड ये चलाना कितना मुश्किल है, कहेंगे आप बिलीव करेंगे ये तो हम जानते हैं कि हम किस तरह इसको लेके चल रहे हैं, ऐसे ऐसे कहेंगे, ऐसे ऐसे लोगों को हम पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे मर्दों को हम पकड़ते हैं जो गलत आईडी से हमें रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, तो देखे ना ये सोशल मीडिया ही तो है, तो हम तो इन पे एक जनरल बात करने बैठे ना कि अब लोग आके बता रहे हैं कि जी नहीं बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी, तो ये है ना असल बात, ये कि लेडीज आ जाती है इस प्रोग्राम में शामिल होती बहुत सारी, तो फिर वो आपके मेंशन करती है, जैसे एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा, जैसे सियासतदानों में झूठ पे झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ है, सोशल मीडिया में भी यही है, सोशल मीडिया में भी आपने बिल्कुल सही कहा, यही सेम चीजें हैं, झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ, कुछ सच्चाई आपको नजर नहीं आएगी, अच्छी चीजें आपने ढूंढनी पड़ेंगे, जिस तरह हम कहते हैं ना कि सियासतदानों में से भी कोई अच्छा सियासतदान ढूंढना पड़ेगा आपको, कौन मुल्क का हुक्मरान बने, कौन मुल्क में कोई सही वो बने, इसी तरह आपको सोशल मीडिया पे भी ढूंढना पड़ेगा कि कौन सही, सोशल मीडिया में कुछ नहीं है, सब ये मां सिवाय इसके के रिश्तेदारों को रिश्तेदारी से दूर रखना, आपस में रिश्तों को खत्म करना, मियां बीवी के झगड़ों को और डेवलप करके उसको अलगी करना, ये सब कुछ ये चल रहा है, ऐसा ये कोई नहीं है, को मैं नहीं मानता, मैं इस चीज पे एग्री नहीं हूँ कि ये अच्छी चीज चल रही है, नहीं, दैट्स इट, कोई इसमें बहस अगर कोई करता है तो वो अपनी अपने तौर पर अपना तजिया अपना तबसरा दे सकता है, लेकिन इस वक्त तक आज तक और कई सालों पीछे भी चले जाए तो सबसे ज्यादा खराबी इसकी वजह से ही हो रही है माशरे के अंदर, और अगर चले यहाँ की बात नहीं करें तो पाकिस्तान में क्या नुकसान होते हुए, अब देखें टिकटॉक अगर कोई किसी ने गाड़ी के आगे आ गया, ट्रेन के आगे कट गया, वो ब्रिज पे बना रहा था गिर गया नीचे, पुल के नीचे मर गया, टिकटॉकर वालों में तो कितना किसी ने हाथ ही काट लिया बताएं, एक से एक फेक मूवी बनाने में उसने आपको पूरी उंगलियां काट ली बताएं, आप देखें एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, हाँ जी जी जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, बस ठीक ठाक, आप सुनाइए क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप, बड़े दिन बाद आपने फोन किया है मुझे, मैं लेकिन आपको रोज देखती जरूर हूँ, अच्छा देखती जरूर, मैं कॉल ही नहीं करी थी, मैं तो समझी अल्लाह करे खैरियत से हूँ आप जी, मैं ये सोशल मीडिया का सुन रही थी तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैंने तो सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखा जी, एक सेकंड के लिए होल्ड कर ले, मैं आप ही से बात करूंगी, मैं चाह रही हूँ लेडीज ज्यादा आए जी, एक मिनट के लिए होल्ड करें जी, एक सेकंड के लिए होल्ड करें, एक सेकंड के लिए होल्ड करें, मैं बात करती हूँ, हेलो हेलो, हाँ एक सेकंड होल्ड कर ले, एक सेकंड होल्ड कर ले, मैं आप ही से बात करूंगी जी, हेलो जी जी जी, बताए, इतनी अच्छी अच्छी किताबें मतलब पढ़ी हमने चीजें उसमें, अल्लाह रसूल की बातें हर रोज रात को तिलावत लगा के मैं उसमें सो जाती हूँ, तो मुझे तो बड़ा मजा आता है जी, वही ना सबका अपना अपनी राय अपना अपना ओपिनियन है ना, हम ये नहीं कह रहे कि सोशल मीडिया बुरा खराब नहीं कह रहे, ये वो चीजें कभी देखी नहीं, मुझे पता ही नहीं ना मैंने कभी डाउनलोड की है, मैं तो वो यूट्यूब पे देखती हूँ चीजें, अल्लाह रसूल की बातें होती हैं, चीजें होती हैं उसमें, हदीसें वगैरह होती हैं, कुरान वगैरह पढ़ते हैं, सूरतें पढ़ते हैं उसमें, तो मुझे तो बड़ा मजा आता है उसमें जी जी, तो मैं तो इसको बड़े अच्छे उसमें सोचती हूँ, बड़ी अच्छी चीज है, सही, अगर हम उसमें दूसरी चीजें मुझे नहीं पता कि उसमें क्या क्या होता है, लेकिन मैंने चंद चीजें रखी हुई है वही मैं खोलती हूँ, उसी को देखती हूँ, उसी को पढ़ती हूँ, ठीक है, तो बस मैंने ये आपको बताना चाहिए, चले चाहिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह जी, हेलो जी जी, हाँ जमीरा बहुत अच्छी हमारी बहन बात कर रही थी, उल्टी जो इंसान बिल्कुल सही हमारे कॉलर ने बात की थी, जो इंसान खुद कुछ जो कुछ वो होता है वही वो सोशल मीडिया पे जाके कर रहा होता है, तो जिसकी जिसकी रूह अच्छी है, जिसकी सरिश्ता अच्छी है, जिसकी सोच अच्छी, एक सेकंड के लिए होल्ड करें सर जी, पॉजिटिव चीज को लेकर आएगा बाहर,
और पॉजिटिव काम ही करना चाहेगा और करेगा भी, लेकिन मोस्टली लोग हमारी अपनी कम्युनिटी की बात कर रही हूँ मैं, उसको एज ए तफरी कभी किसी के बारे में झूठी खबर उसके ऊपर चला देते हैं, यानी कि लगा देते हैं। जिन लोगों ने चैनल अपने पेजेस बनाए हुए, ऑब्वियसली फेसबुक पे पेज बनाना तो कोई इतना मुश्किल काम ही नहीं है, तो लोगों ने अपने चैनल भी फेसबुक पे बहुत सारे लोगों ने बनाकर रखे हुए हैं। आपने ये बात बहुत की, बहुत अच्छी की कि कितने लोग ने है ना सिर्फ इसी पे इसी को रख लिया, चैनल बना लिया, बस जो फेसबुक पे नजर आ रहा है दुनिया को दिखा रहे हैं और वो लोग समझते हैं कि भाई यही एक चैनल है, ये फेसबुक पे इतना व्यूज है, वो कहते हैं कि ये चैनल क्या है, ये तो बस यही चैनल है, यही काम करते हैं, फेसबुक पे काम हो रहा है, जो फेसबुक पे हो रहा है बस वही नजर आ रहा है, वही चीज है, समझ लें। बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया भाई यहाँ पर, जहरी सी बात है वो। और फिर बात ये कि आप अगर डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, आप अपनी पर्सनल कुछ आपकी कोई खुन्नस है उसको निकाल रहे हैं बाहर, और आप जाकर के लोगों के बारे में कुछ इस तरीके की बातें मेंशन कर रहे हैं, तो किसी एक या दो बंदे को कुछ कहने के ऊपर ना ही तो आपका सोशल मीडिया का पेज डिसकंटिन्यू किया जाता है, ना ही उसको बंद किया जाता है, ना ही आपको कोई तंबी की जाती है, वो तो सोशल कोई इशू हो और उसके ऊपर आपके साथ पिटीशन कोई लोग दायर कर रहे हैं कि आपके साथ 5,000 लोगों ने उस पिटीशन पे साइन कर दिए हैं, तो फिर कहीं जाके आपका पेज बंद होगा, ना इस तरीके से इतनी आसानी से आपका ना पेज ब्लॉक होता है ना ही पेज बंद होता है। लोगों ने उस पर पर्सनल लड़ाइयां भी शुरू की हुई है, किसी के खिलाफ कोई बात लिखनी होती तो उसका उसके नाम के साथ उल्टी सीधी पोस्ट को अटैच करना, इस किस्म की चीजों को कोई और एक पूरे पेज बना के, एक पूरा एक पेज बना के दो दो पेज का पैराग्राफ लिख देते हैं पूरा अपना उस पे जाकर जी। और एज ए कम्युनिटी समीना ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं यहाँ पर हमारे टोरंटो में, इतनी ज्यादा हो रही है, हमारे हमारे इस कम्युनिटी को पता नहीं क्या हो रहा है। तो अगर इस किस्म के जो यूज भी तो कम्युनिटी का नाम ही लेके तो यूज किया जा रहा है, कम्युनिटी का नाम ही लेके यूज किया जा रहा है, आप ये सोचे जी, तो उसको लेके आगे बढ़ना है, जिम्मेदारी बनती है ना समीना, क्या हम उसके खिलाफ आवाज उठाए, किसी को इंडिविजुअल किसी इंडिविजुअल पर्सन के खिलाफ बातें लिख रहे हैं अगर आप, तो ये कौन सा तरीका का कार्य जो आपने अख्तियार किया हुआ है, तो आपका सोशल बायकॉट इसी तरह किया जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा यहीं पे रहने वाले लोगों को इस चीज के बारे में इन्फॉर्म किया जाए कि आपके पेज से किसी के बारे में क्या कुछ लिखा जा रहा है, क्योंकि अभी भी जाहिर सी बात है हर कोई तो इस किस्म की खराब या मनफी सोच लेकर नहीं बैठा हुआ ना, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। मुझे लगता है कि ये हमारे कॉलर्स भी देखे सबने कितनी अच्छी पॉजिटिव बात ही की इसमें, देखे आप खुद इसका इस्तेमाल करने वाले जिम्मेदार आप खुद है, हम तो खुद है, लेकिन कुछ लोग कम्युनिटी में इस किस्म का काम कर रहे हैं, इसी वजह से ये मुद्दा यहाँ पर उठाया था आपने, और मैं यही कहूंगी कि उनको सीखना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि अगर आप बड़े हो गए तो थोड़े से मेच्योर हो जाए, क्योंकि आप अपने आप को डिफाइन कर रहे होते हैं वहां पर, आप कोई बड़े से बड़ा नोट भी लिख देंगे तो आप अपनी ज़हनियत को अपने किरदार को अपने अखलाक को ही बयान कर रहे होते हैं उस पेज के ऊपर। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ समीना से, सारे लोगों से कि वो इससे गुरेज करें तो ये बहुत बेहतर होगा, ठीक है? थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टॉपिक रखा, थैंक यू जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है जी? आप लोग लाइव शो कर रहे हैं? जी लाइव शो में कॉल किए, पहली दफा कॉल किया आपने? जी मैंने पहली दफा कॉल किया। जी जी बोले। अच्छा, मैं साइमा हूँ एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम वर्जीनिया। ओके। और सोशल मीडिया का मेरा ये कमेंट है कि जैसे हम लोगों ने अपने आप को इतनी सारी चीजों के थ्रू Y2K में गए और इतनी सारी चीजें हम लोगों ने अपने आप को अडेप्ट किया, सोशल मीडिया इज आल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव टू अडेप्ट आवरसेल्फ टू, इट इज हियर टू स्टे। और ये यू नो जस्ट लोगों की जजमेंट बहुत खराब हो गई है, लोगों को देख के जो अच्छे लोग भी हैं उनके बारे में भी बुरा ओपिनियन बनाया जा रहा है, इट्स बीइंग यूज्ड फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि इट्स ऑल बैड, वी हैव टू फाइंड गुडनेस इन एवरी ईवल, सो इवन इफ इट्स ईवल वी हैव टू फाइंड गुडनेस इन इट। सही कह रही हैं आप, ये कि है ना बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, हम ये सबको नहीं कह रहे कि जो कुछ हम किस तरह बेहतर ला सकते हैं, बेहतरी ला सकते हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए, यही बात हो रही है इस वक्त इस पे बैठ के हम यही डिस्कस कर रहे हैं। जो अच्छे लोग भी हैं, मैंने बताया आपको जो एडमिन बनी हुई है फेसबुक की, बहुत सारे ग्रुप्स चला रही हैं ये इसके फेसबुक के, तो उनसे पूछें कि उनको कितना डिफिकल्ट होता है ये सारे काम करना, किस तरह वो लेके सारे ग्रुप को चल रही होती हैं, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कितनी गंदी लैंग्वेज भी उन्होंने लोगों को सुननी पड़ती है, तो इस चीज़ को किस तरह रोका जा सकता है, सवाल ये पैदा होता है। सवाल इसका सिंपल सा जवाब यही है कि जो जिसकी जितनी एजुकेशन होगी, जिसका जिसकी जिस किस्म की अपब्रिंगिंग होगी घर में, वो वैसे ही एक्ट करेगा सोसाइटी में, वो चाहे सोशल मीडिया हो चाहे किसी पब्लिक जगह हो, तो यू कैन नॉट कंट्रोल दैट बिकॉज पीपल कम फ्रॉम ऑल डिफरेंट प्लेसेस, फ्रॉम ऑल डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ एरियाज,
थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू इसी तरह कॉल करा करें, अपना ओपिनियन जरूर दिया करें, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू बेतहाशा मेरे कॉलर है जी। हेलो जी, एक सेकंड आपसे बात करती हूँ, इनसे बात कर लूँ। जी 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 बोलें जल्दी से, इतनी देर में आपने फोन किया। और हाँ। अब तो ये हो गया है कि जब बच्चों के रिश्ते करते हैं तो खवातीन एक दूसरे से कहती हैं कि आप अपनी फेसबुक की आईडी देंगी हमें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की, वो फेसबुक पे जाके देखते हैं, उनकी प्रोफाइल देखते हैं, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, वालदा कैसी है, वालदा क्या कर रही है, मतलब इस तरह इतना फेसबुक का हो गया है। और आप यूट्यूब पे देखें, यूट्यूब पे आप कोई चीज देखती है, ड्रामा देखने जाती है, उसके बीच बीच में कितनी साइडें ऐसी आती है कि आप उनको पढ़ना भी नहीं चाहते। सही सही बात की आपने, बहुत अच्छी बात की। मैं मुझे लग रहा है कि बहुत लंबा टॉपिक है, इस पे दोबारा बात करूंगी, बहुत शुक्रिया, टाइम मेरा खत्म होने वाला है, मैं सबके मैसेज ले लूं, खत्म करूं, बहुत सारे कॉल थी मेरे साथ। जी जी, किसी के मानने या ना मानने से फर्क नहीं पड़ता जी, टेक्नोलॉजी है वो एक हकीकत है। अभी मैं एक मिसाल देता हूँ, जब रेडियो आया तो किसी किसी के घर में रेडियो होता था, जब ट्रांसिस्टर आया तो फिर हर एक बंदा जो है उठाए फिर रहा था, और हैंड ट्रांसिस्टर पर था। जब वो ट्रांसिस्टर आया तो लोग कहते थे कि ये रेडियो में शैतान बोलता है। फिर जब टीवी आया तो वो कहा जाता था कि ये हर घर में कंजरखाना खुल गया है, और अब हर घर जो है वो उस टीवी के बगैर नहीं चलता। जब VCR आया तो कहा गया कि ये बेहयाई का जरिया है, फिर हर घर में VCR आ गया, तो उसके बाद वो VCR डेवलप होके CDs और पता नहीं आई वो क्या नई नई चीजें आ गई, मैं उसमें तफसील में नहीं जाता। बात यह है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें एवोल्यूशन भी आता है। अब मुझे समझ नहीं आता कि ये जितने लोग तनकीद कर रहे हैं कि वो किस सर्कल में घूमते हैं कि जहां पर उनको सिर्फ नेगेटिविटी नजर आती है, वो उस सर्कल से निकल के किसी दूसरे सर्कल में क्यों नहीं जाते जहां पे पॉजिटिविटी आती है। जब आप उसी सर्कल में घूमते हैं तो आप उन लोगों को एनकरेज कर रहे होते हैं। अब टिकटॉक की बात होती है, कभी आप टिकटॉक के ऊपर जाए, आप ऐसे ऐसे टिकटॉक अकाउंट हैं जो इतना मजाक अपना अपना फ्राम करते हैं जो बड़ा शुस्ता और अदबी होता है। बहुत से ऐसे टिकटॉकर हैं जो सिर्फ अदब के ऊपर बात करते हैं, बहुत से ऐसे टिकटॉकर हैं जो सिर्फ मजहब के ऊपर बात करते हैं। तो जब आप लोग एक उस सर्कल में घूमते रहेंगे नेगेटिविटी फैलाता है तो आपका तासर भी चले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हेलो जी जी, लास्ट मैसेज दे दें, खत्म हो गया प्रोग्राम का टाइम, बस लास्ट, बिल्कुल लास्ट, नहीं आप बात करें, बात करें जल्दी से, 30 सेकंड। इतना सब जितना तबसरा आपने सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया की तो अकल ठिकाने आ गई होगी आज, तमाम कॉलर ने जिस तरीके से इस पे तनकीद की है। नहीं देखिए, तनकीद नहीं की, तनकीद नहीं हुई है इस पे, सिर्फ अपने अपनी राय, अपना अपना ओपिनियन दिया। देखिए मैं ये, हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे कॉलर, हम ये नहीं कह रहे कि फेसबुक खराब है या टिकटॉकर खराब है या ना कहते हैं ट्विटर खराब है, हम उसको कह रहे हैं यूज जिस तरह किया जा रहा है उसके बारे में बात की जा रही थी, पर लोग आके बता रहे हैं कि जी बहुत अच्छा भी है। अब जो लोग गलत यूज कर रहे हैं टिकटॉकर को उसकी बात हो रही है, मगर लोग आके कह रहे हैं कि जी उसमें बहुत सारी चीजें, आपको आप अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, अब आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, ये अलग बात है कि पॉजिटिव नेगेटिव की तो बात ही नहीं हो रही है। कल मैं बात करूंगी पॉजिटिव और नेगेटिव की बात। नहीं नहीं नहीं, वो कल नहीं करें, ये इस टॉपिक को था, मेरा ख्याल थोड़ा सा ब्रेक दे दें, नहीं तो ये सोशल मीडिया पागल हो जाएगा। बेहतर ये है वो लोग जी, वो लोग जो इसको फैला रहे हैं तो वो इम्पैक्ट, एक मिनट के लिए वो ये इम्पैक्ट मिलियंस के पास जा रहा है ना भाई, इसकी शिकायत हम कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल गलत हो रहा है जी। इसका इस्तेमाल नेगेटिव की डायरेक्शन में जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा कल इसी के मुताबिक, देखिए हमने ये नहीं कहा गलत है। देखिए अभी एक लेडीज आई जिन्होंने फर्स्ट टाइम कॉल की और है ना अमेरिका से कॉल की, उन्होंने बताया कि देखिए बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं, हमने उनको बताया कि हम वो चीजें नहीं हाईलाइट कर रहे, जो अच्छी हो रही है उनको तो अप्रिशिएट करते हैं, पर अच्छी की तरफ लोग जा नहीं रहे ना, अडॉप्ट नहीं कर रहे वो अच्छी चीजें। तो उन्होंने कहा एजुकेशन की कमी है, तालीम की कमी है, तालीम की कमी नहीं है, तालीम याफ्ता ही लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हाई एजुकेशन वाले ही लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, अदरवाइज कोई नहीं यूज कर रहा।
अगर वो किस तरह यूज कर रहे हैं उनको थोड़ा सा बताना है कि भाई सही तरीके से यूज करें, इसका इस्तेमाल सही तरीके से करें, जो गलत तरीके से यूज हो रहा है, जो हमने चीजें यहाँ पे आके हाईलाइट की है उनको अगर लोग समझे, आवाम समझे, तो फिर बात बनती है ना। मगर वो लोग तो दूसरी चीजें, अब वो एक कॉलर आए, वो बहुत अच्छे कॉलर है, मेरे हमेशा प्रोग्राम में शामिल होते हैं, पूरे शो में शामिल होते हैं हमेशा। अब वो कह रहे हैं कि जब टीवी आया, रेडियो आया, वीसीआर आया, देखिए रेडियो टीवी वीसीआर ये तो डिफरेंट अलग चीज है, डिफरेंट स्टोरी है वो। हम उस पर थोड़ी बात करेंगे, टीवी आया तो उसने लोगों ने ये फैलाया, वीसीआर आया तो ये आया, रेडियो आया तो लोगों ने ये कहा, हम ये बात नहीं कर रहे हैं लोग। मगर हमारी बात को या तो लग रहा है हम समझ नहीं पा रहे हैं, या हम शायद हो सकता है बातें गलत लेकर आए इस वक्त, ये सच समझ आ रही है। मैं इसको इस तरह बोलूंगा कि हमारा कहने का मकसद ये, इसका फैलाव गलत तरीके से किया जा रहा है, वो लोग कर रहे हैं तो फिर मिलियंस लोग के पास जा रहा है, वो और बात है कि आप उसको पेज को स्क्रॉल कर दें तो नेक्स्ट पेज पे चले जाएं, ये बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि इसका इस्तेमाल किया गलत जा रहा है, और इसके जो, और हम उनको नहीं कह रहे जो सही इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको नहीं बैठ के यहाँ पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सही भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका सही यूज कर रहे हैं, फवायद भी है, देखे नुकसान के साथ फायदे भी है। मैं कल टॉपिक रखूंगी कि आप बताएं इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है। अब देखूंगी कॉलर आके क्या फायदे बताते हैं और क्या नुकसान बताते हैं कल। बस इसके ये है, मैं तो ये कहूंगा कि इसमें ये नहीं कहा जा रहा कि बिल्कुल ही रद्दी है, ये बिल्कुल जी हम कह ही नहीं रहे, हम ये बात कर ही नहीं रहे रद्दी है। चले जी, अब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, प्लीज मैं एक कॉलर का बस छोटा सा मैसेज देती हूँ, आपका बहुत शुक्रिया तो आपने कॉल की जी। अभी दोबारा से बहुत सारे कॉलर आ गए, मैं किसी को भी नहीं करी, आपका 30 सेकंड का मैसेज लेके खत्म करें। समीना देखिए, अभी भाई ने बात की टिकटॉक की, अब जब 10 में से 9 टिकटॉक हम ऐसी देख रहे हैं, डांस गाना ये वो, कल इसमें हम जरूर बात करेंगे सोशल मीडिया के क्या फायदे और क्या नुकसान है, आके जरूर आप हाईलाइट कीजिएगा। अब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम 10 वीडियो वो वाली देख रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो उस सिलसिले में हम क्या अडॉप्ट करेंगे। अब जाना पड़ेगा आपको सही उनकी तरफ, जिस तरह कॉलर ने आके कहा कि आप सही चीज अडॉप्ट करें। चलें जी, जाते जाते बस यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, जिंदगी रहे इंशाल्लाह, कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।